पीएमसी हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज स्वाध्याय हरियाणवी में सातवां दिन है, तो हमारा चैनल का पहले नियम है नो वेस्ट ऑफ टाइम, नो हरी, नो वरी। तो इसी नियम के आधार बनते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारा होस्ट है सरिता दैया जी, हमारा स्पीकर है आर्या दैया जी और आज का भजन कन्हैयालाल जी। सरिता दैया जी आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए। सरिता मैडम आपका माइक अनम्यूट है, सॉरी म्यूट है, म्यूट कर दो। पीएमसी हरियाणवी चैनल के सारे दर्शकों ने सरिता दैया की प्यार भरी नमस्कार। जैसा कि हमने बेरा है भी हमारे चैनल पर स्वाध्याय सीरीज चल रही है, जिसमें आज सातवीं वक्ता के रूप में श्रीमती दया आर्या जी हमारे साथ हैं। और दया आर्या जी का जन्म ही एक आर्य समाजी परिवार में हुआ था और सारा परिवार आर्य समाज की सेवा में समर्पित है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, आर्य समाज के संस्कार भी परिपक्व होते चले गए और दया आर्य जी के परिवार में सारे उनके बेटे बहू परिवार के सारे सदस्य आर्य समाज की सेवा में समर्पित हैं। और वो उन्होंने एक शिक्षिका के रूप में सेवाएं दी और बच्चों को भी आर्य समाज के सिद्धांत समझाए, आर्य समाज के सत्य बताए और उसी आधार पर उसी सत्यों को लेते हुए आज वो हमारे सामने हैं। और आज हमारे सामने वो स्वामी दयानंद सरस्वती लिखित रचना सत्यार्थ प्रकाश के सिद्धांतों पर प्रकाश डालेंगी। अब मैं बताऊंगी कि जीवन में सत्य क्या है, सत्य का पालन कैसे करना चाहिए और क्या सत्य है। पहले सत्य को परखे समझे, फिर परीक्षा करें और फिर अनुसरण करें। इन सिद्धांतों के बारे में दया आर्या जी बताएंगी। और मैडम दया आर्या जी आपका मुख्य स्क्रीन पर बहुत बहुत स्वागत है। दया आर्या जी मैडम दया आर्या जी अनम्यूट करवा लो मैडम को ना। ओम 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 मैम। अब मैं सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हरियाणवी चैनल पर, जो इतने बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम चल रहे हैं। आदरणीय बहन संगीता जी के प्रयास से हम सभी अपने अपने अनुभव, अपने अपना ज्ञान, अपने अपने कुछ उदाहरण दृष्टांत दे करके हर रोज कुछ न कुछ सीख करके भी जाते हैं और कुछ न कुछ अनुभव अपने दे करके भी जाते हैं। तो सभी एक बार तीन बार ओम का उद्गीत है प्राणायाम करेंगे, लंबा गहरा श्वास भर के नासिका से ओ। परम पिता परमात्मा, हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, मृत्यु के भय से अमरता की ओर चलें। आप शक्तिशाली हैं, आनंदमय हैं, सर्वशक्तिमान हैं। हम भी आपसे प्रेरणा लेकर के अपने आप को दूसरों की सेवा में समर्पित करें, दूसरों के परोपकार में अपने आप को समर्पित करें, सत्य के सन्मार्ग पर चलें। ऋषि मुनि
महापुरुष विद्वान जिस रास्ते से विचरते आए हैं उनके रास्ते का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़े। आज हम स्वाध्याय के विषय में बात कर रहे हैं, सूजमाध्याय और स्वयजमाध्याय। सूजमाध्याय अच्छे ग्रंथों का, अच्छे ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनका अध्ययन करना, जिनसे हमारे जीवन को कुछ न कुछ प्राप्त हो सके, कुछ न कुछ हम उनसे पा सकें। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमने तो बहुत पढ़ लिया, हमने अखबार पढ़ लिया, पत्रिका पढ़ ली या कोई उपन्यास पढ़ लिया, लेकिन उससे हमारा ज्ञान नहीं इतना बढ़ पाता है। हमें ऋषियों के द्वारा जो वेद की वाणी है, जो ऋषियों ने रचित ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, उनको पढ़ करके जीवन में कुछ न कुछ पाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे हम उनको पढ़ेंगे कुछ न कुछ नया अनुभव हमें हमेशा उनसे मिलता रहेगा। और स्वयजमाध्याय अपना अध्ययन करना, इसको ध्यान भी कह देते हैं। ध्यान बहुत ही टेढ़ा भी है और बहुत ही आसान भी है, क्योंकि दोनों समय हम वैदिक संध्या जब करते हैं तो सुबह के समय भी और शाम के समय भी हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि मुझसे कोई गलती न हो और न ही कोई दूसरा गलत काम करे हमारे साथ है। अगर ऐसा होता है तो परमात्मा तो उसको दंड दे, अपनी जाड़ के बीच में भींच दे, ऐसा हम प्रायश्चित भी करते हैं और करना भी चाहिए। और ध्यान में जब हम बैठते हैं तो उससे शारीरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति का संचय भी होता है। इसलिए ध्यान सर जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मनुष्य सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ करता ही रहे, वो शारीरिक काम ज्यादा करता है और शारीरिक काम करने से उसका थकावट महसूस करना वो एक सामान्य सी बात है। तो उसमें थोड़ी सी देर जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं तो वो शारीरिक या काम कोई परिवर्तन कर ले, मान लिया एक काम करते करते थक जाए तो हम दूसरा काम शुरू कर देते हैं तो उससे भी थकावट मिट जाती है। जैसे विद्यार्थी जब विद्यालय में जाते हैं तो विषय उनके बदलते रहते हैं, अब वह घंटी है, वह घंटी है, वह घंटी है, तो उनका दिमाग जो है तरोताजा रहता है, वो बोझ जो है उनके दिमाग पर 40 मिनट का एक पीरियड का था वो दूर हो जाता है। तो आइए आज हम अपने विषय पर चलते हैं, सत्यार्थ प्रकाश। जब भी अधर्म का नाश होता है, धर्म की हानि होती है, अधर्म पनपता है, फैल जाता है सारे के, जब न जब कोई ना कोई पुण्य आत्मा इस दुनिया में आती है, जन्म लेती है और वो अपने जीवन के द्वारा, अपने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कामों के द्वारा धर्म के रास्ते पर हमें चलाने की कोशिश करते हैं, अधर्म के रास्ते से हमें हटाते हैं। और जब हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारा कष्ट, हमारा दुख, हमारा ताप ये दूर भी होगा। ये सच्ची बात भी है, क्योंकि हम आदि सृष्टि से अब तक के जितने भी ऋषि मुनियों के ग्रंथ देखते हैं, पढ़ते हैं, अनुभव करते हैं, तो उन्होंने जो है एकांकी होकर के ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। ये ध्यान जो है बहुत जरूरी है। जैसे महर्षि दयानंद का जब जन्म हुआ तो उस समय सारा देश अंधकार में डूबा हुआ था, अज्ञान और अंधविश्वास पाखंड, क्योंकि मजबूरी थी, महाभारत के बाद रजवाड़े हो गए थे और राजा विलासी सुरा और सुंदरी में डूब गए थे। आर्यावर्त देश हमारा महाभारत के काल तक रहा। आर्यावर्त अच्छे विचारों से ढका हुआ, आवृत माने ढका हुआ, अच्छे श्रेष्ठ विचारों से, बढ़िया विचारों से ढका हुआ, अर्थात यहाँ पर सारे लोग जो हैं, बहन भाई, बड़े छोटे, राजा प्रजा, सब बढ़िया बढ़िया विचारों के होते थे। यदि कोई गलत काम कर भी दिया करता तो उसको दंड, अच्छा दंड दिया जाया करता, न्याय और दंड दोनों को एक समान माना जाया करता। लेकिन आज न्याय है तो दंड नहीं और दंड है तो न्याय नहीं, आज उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। जब शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भा माने चमक, दीप्ति, रत माने लगे रहना, चमक में लीन रहना, और हमारा जो हिंदुस्तान नाम पड़ा, हिंदकुश पर्वत के आसपास जितने भी हमारे रजवाड़े थे, लोग रहते थे,
तो हिंदू नाम जो लुगात डिक्शनरी में है अरबी फारसी में, वो हिंदी डिक्शनरी में हिंदी या हिंदू शब्द का कोई भी अर्थ ऐसा नहीं माना जाता, और उसी का नाम लेकर के हमारा अंग्रेजों ने इंडिया नाम रख दिया। लेकिन महर्षि दयानंद ने उस बात को पहचाना, क्योंकि हमारा देश जो है कैसा था और कैसा होता चला गया। उनका जब जन्म हुआ तो एक छोटा सा गांव है टंकारा मोरवी गुजरात में, और उनके पिताजी एक रियासत में बहुत बड़े दीवान थे। जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिताजी के यहाँ जो है घर में पढ़ाने के लिए आते थे ब्राह्मण लोग। तो महर्षि दयानंद ने अच्छी पूरी पौराणिक शिक्षा उनसे पाई, वेद शास्त्र की भी विद्या पाई, लेकिन जो असली उन्होंने जीवन में पाना चाहा था उसका बड़े होकर के उनको अनुभव हुआ। हम वहां गए हैं, 5 बार मैं भी वहां जा चुकी। तो जब भी कोई साधना सथल बनाया जाता है, जब भी कोई ध्यान का जगह बनाई जाए, वो एकांत में बनाई जाती है, तो वहां भी गांव वालों ने जो है मंदिर बनाए छोटे छोटे, वहां पर 11 मंदिर है अब भी है वो मौजूद। तो महर्षि दयानंद वहां पर अपने पिताजी के साथ आते जाते थे, और बड़ा अच्छा लालन पालन हुआ क्योंकि धनाढ्य परिवार में थे। लेकिन महर्षि दयानंद का पूर्व जन्म के जो संस्कार थे, कई जन्मों के जो संस्कार थे, तो वो जागे। उन्होंने जो है मूल शंकर बचपन का नाम था, मूल शंकर ने एक दिन रात को ये देखा कि कितनी मेहनत तो इसकी सफाई में करी, सारा दिन जो है मंदिर की सफाई की, सजाया और सारे जो धूप बत्ती भी लगाई, अगरबत्ती भी लगाई और फल आदि भी रख दिए, पूजा पाठ भी होने लग रही है, और ये सारे सो गए और ये चूहा आकर के फिर मलबूत्र करने लगा। तो ये अपनी रक्षा जब पत्थर नहीं कर सकता तो हम अपनी रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, वहां से उनको संशय पैदा हो गया। उससे पहले उनकी बहन की मृत्यु हो गई थी, वो नहीं रोए। फिर चाचा की मृत्यु हुई तो बहुत रोए, फूट फूट के रोए। फिर उनके दिमाग में ये आ गया कि भाई कोई ना कोई इसी चीज है जो इस शरीर में तो निकल के बाहर चली गई। फिर उनके घर वाले ने सोचा कि ये बेचैन से रहने लगे और ये घर छोड़ना चाह है। तो कोई भी साधु संत हुए हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हुए हैं या अन्य और भी उदाहरण हमारे सामने हैं, फिर घर वाले ये सोचते हैं भाई इसने शादी कर दे रही हो बंद जाएगा, इसका जो जीव चट रहा है, जो इसके जीव में बेचैनी सी है, ये एक तरफ हो जाएगी। और ऋषि दयानंद को मूल शंकर को शादी में बांधना चाहा, लेकिन मूल शंकर ने एक दिन एकांत पा करके और दक्षिणी द्वार से वो निकल करके चले जाते हैं। फिर जिंदगी में कभी भी वापिस अपने घर लौट करके नहीं गए, और जगह जगह वो भटके। उन्होंने जो आभूषण भी पहन रखे थे, अच्छे बढ़िया रेशमी कपड़े भी पहन रखे थे, तो रास्ते में उनको जो है वो ठगी मिल गए। उनने कहा भाई कहाँ चल पड़ा जी, मैं ईश्वर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, किस रूप में रहता है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है। बोले तू साधु बनने चल पड़े यार, तेरे पास ये गहने और ये रेशमी कपड़े, इनसे क्या मतलब तेरा। उन्होंने वो छीन लिए, उनके पास फिर कुछ भी नहीं रहा। तो भटकते भटकते वो जो है स्वामी पूर्णानंद के पास पहुंचते हैं। उनको भूख भी लगी, एक बार अलकनंदा नदी को पार कर रहे थे, उनके सारे शरीर को जो है बर्फ के टुकड़ों ने चीर भी दिया, लहू लुहान भी हो गए। एक बार जंगल में एक रीछ मिल गया, उस तो भी टकराए वो रीछ से भी। तो इस प्रकार एक बार बहुत ज्यादा भूख लगी तो वो एक खेत के आस पास से जा रहे थे, लेकिन किसान नहीं था, वो बैठे रहे वहां। तो जब किसान आया कहने लगे आपके खेत में बैंगन लगे हैं, क्या मैं तोड़ करके खा सकता हूँ। तो इतना संघर्ष मूल शंकर ने किया, और मूल शंकर जब स्वामी पूर्णानंद के पास पहुंचे तो अनेक साधु संतों के पास भटकते रहे, तो उन्होंने मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद रख दिया। और उन्होंने कहा कि मुझे व्याकरण पढ़नी है आपसे। तो स्वामी पूर्णानंद बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने कहा कि मेरा एक गुरु मथुरा में रहे भाई, और उसका नाम है बिरजानंद, तुम वहां जाओ, ये सारे संशय तुम्हारे वो मिटा देंगे। तो स्वामी दयानंद जो है वहां पर पहुंचते हैं मथुरा नगरी में, और वहां जब पहुंचते हैं तो वो जो है इस यमुना नदी के किनारे थी, वह अब तो बीच शहर में आएगी, और वहां सुनसान था। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो वो अंदर से आवाज सुन करके रजानंद की, वो कहते हैं कि मैं यही तो जानने के लिए आया हूँ, कौन हूँ मैं कौन हूँ, अंदर से मेरी आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, कैसी है, किस स्वरूप में है और किसके सानिध्य में रहती, मैं यही तो जानने के लिए आया हूँ। फिर दरवाजा खोला और सन्यासी के वस्त्र देख करके अंदर बिठाया, लेकिन कहा स्वामी जी मैं आपको
शिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि आप साधु, आपका खर्चा कौन देगा। फिर एक राजा ने उनके खर्चे को ओट लिया और स्वामी दयानंद 3 साल वहां पढ़े, और जब चलने लगे तो उस समय उनके गुरु को लौंग बहुत ज्यादा पसंद थी, तो उधार पैसे मांग के लाए, 125 लौंग लेकर के आए और अपने गुरु को जब भेंट में देने लगे चलते टाइम, तो फिर दयानंद ने कहा, स्वामी जी नहीं, दयानंद मैं तेरे से ये अपेक्षा नहीं रखता, मैं तो ये चाहता हूँ कि सारा भारत वर्ष अंधकार में डूबा हुआ है, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, अंधविश्वास पाखंड में फंसा हुआ है, और तू चमकता सितारा है, भारतवर्ष को जो है इन बेड़ियों से, बंधनों से छुटा दे। तो स्वामी दयानंद जो है प्रतिज्ञा करके, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूर्ण करके दिखलाऊंगा, वैदिक धर्म की वेदी पर मैं अपना स्वयं चढ़ाऊंगा, और उन्होंने ये काम किया। वो जो है जब लोगों के मन को देखा, टटोला, उनको समझाया, उनको जो है बार बार समझाने की कोशिश की भी, ये लोग जो है धूर्त हैं, ये ठगी हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें ठग रहे हैं, तुम जो है इनसे लुट रहे हो, पिट रहे हो, कुछ विश्वास कर लेते, कुछ ना भी मानते, ईंट मारते, पत्थर मारते, स्वामी जी को गाली गलौज देते, और 17 बार जहर दिया स्वामी जी को, लेकिन स्वामी जी हारे नहीं, थके नहीं। तो जब स्वामी जी ने देख लिया कि हाँ थोड़ा बहुत ये लोग कुछ समझने लग गए, जानने लग गए, अपने अस्तित्व को पहचानने लग गए, तो उन्होंने सोचा कि कोई ग्रंथ लिखना चाहिए, कोई पुस्तक ऐसी लिखनी चाहिए जिसको पढ़ करके मेरे रहने ते हुए तो ये मेरी बातों को समझ रहे हैं, मैं आमने सामने समझा देता हूँ। लेकिन कोई भी धार्मिक गुरु होया है वो पीछे अपनी निशानी, अपना साहित्य छोड़ करके गए हैं, क्योंकि वो जो है स्थाई होता है, लिखित बात स्थाई होती है, और लिखित बात अपने अपने ग्रंथ, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब सिख भाई छोड़ के, गुरु नानक जी छोड़ के गए हैं, जैसे ईसाइयों का जो है वो कुरान है, मुसलमानों का बाइबल है, इंजिल है, जैनियों का, बौद्धों का, इस प्रकार अपने अपने ग्रंथ ये इसलिए छोड़ करके गए ताकि पीछे कोई हमारे शिष्यों को परेशानी ना रहे। इसी प्रकार स्वामी जी के दिमाग में भी ये बात बैठी कि मैं चला जाऊंगा, ये तो मैं समझाऊं इनको, कुछ समझ भी रहे हैं, कुछ ना भी समझ रहे हैं, लेकिन पीछे परेशानी होगी। तो उन्होंने जो है उदयपुर में महाराणा के स्थान पर 1939 में एक ग्रंथ लिखा, सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के लिए, और उन्होंने अपने 10 नियम लिखे, आर्य समाज के 10 नियम वहां भी लिखा है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए, एकदम तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अज्ञान से हम जो है पिछड़ रहे हैं, अज्ञान से हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, अज्ञान से, मूर्खता से जो है हमें ठगा जा रहा है, चाहे विदेशी सत्ता है, चाहे हमारे देश के लोग, हमारे देश के राजा हैं, इसलिए हमें ज्ञान के प्रकाश को पकड़ना होगा, तब आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में बर्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि तक उन्होंने अपने पास से कोई विचार नहीं प्रकट किया। उन्होंने ये लिखा है कि मैं अपने पास से कुछ नहीं कहता, जो बर्मा ऋषि से लेकर के जैमिनी ऋषि तक जितने ऋषियों ने बातें कही हैं, मैं इस सत्यार्थ प्रकाश में लिख रहा हूं। उसमें जो है लगभग 3000 ग्रंथों का उसके अंदर सार भी है, और उन्होंने कहा कि मैं वेद विरुद्ध बात कोई भी नहीं लिखता, मैं मिथ्या बात, मनगढ़ंत बात कोई भी नहीं लिखता। और महर्षि दयानंद जो है संस्कृत भाषा बोलते थे या गुजराती, उनको हिंदी आती ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो है हिंदी सीखी, जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो हिंदी, संस्कृत, गुजराती भाषा, फिर उसको जो शुद्धिकरण किया तो हिंदी में प्रकाशित किया। आप सब उसको जब पढ़ते भी हो तो वो देखो पूरा आराम से समझ में आ जाता है, वो हिंदी भाषा में प्रश्नोत्तर शैली में है, और 14 उसमें समुल्लास है, और 14 समुल्लासों में जो है सबसे पहला समुल्लास है ईश्वर कैसा है, ईश्वर का स्वरूप, 100 प्रकार के ईश्वर के नामों की उसमें व्याख्या की है कि उसका स्वरूप कैसा हो, निराकार है, वो अजन्मा है, वो अजर है, वो अनंत है, वो सर्वशक्तिमान है, वो जो है सर्वाधार है, इस प्रकार उसका एक वर्णन किया स्वामी जी ने 2 नियम के अंदर। और उन्होंने जो है ईश्वर को निराकार माना, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, जैसे हम
एक साहित्य पढ़ते हैं, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आजकल हम आधुनिक काल में जी रहे हैं जैसे, तो भक्ति काल जब आता है, क्योंकि वीर गाथा काल में लड़ाई झगड़े खून खराबा बहुत बुरी हालत जब हो गई थी, तो उस समय भी भक्ति काल में दो शाखाएं बनी थी। पहली थी जो है उसमें निर्गुण और सगुण, जो निर्गुण में परमात्मा जो है गुण रहित है, रूप रहित है, और जो सगुण है वो साकार रूप में मानते हैं, उसमें सूफी मार्गी और प्रेम मार्गी। अब हमारे जो भाई जुड़ते हैं सोमवार को और मंगलवार को, सूफी संत वाले भाई, आजकल तो जैसे सोमवार बंद है हमारा, तो उसमें वो निराकार रूप का वर्णन करते हैं। जैसे कबीर दास के भी जितने दोहे हैं उन्होंने भी जो है इनका खंडन किया, मूर्ति पूजा का या अंधविश्वास की बातों का, और उन्होंने जो है इस बात का खंडन किया। शायद नेटवर्क की समस्या है सचिन। हाँ मैडम, एक्चुअली मैडम का वो एक फोन आया है शायद। ओम, मैं अक्षमा चाहती हूँ, ये बीच में फोन आगे मेरी भार्गव भाई से भी यही बात हो रही थी कि मेरी बहुत तगड़ी मजबूरियां होती हैं, क्योंकि मीटिंग पर मीटिंग, अभी 8:30 बजे फिर मीटिंग है, इसलिए मेरी आवाज शायद आप लोग सुन रहे होंगे। दूसरे समुल्लास के अंदर वर्णन किया है संतानों की शिक्षा कैसी हो। संतान मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदाह, संतान को माँ पहले कैसी शिक्षा दे। माँ गर्भ से ही शिक्षा देने लग जाती है गर्भाधान संस्कार के अंदर, तो माँ जो है बच्चे को कैसा बनाए, क्योंकि गर्भ धारण करने से पहले माँ कई महीने पहले सोचने लग जाती है, माता पिता दोनों, कि हम कैसी संतान बनाएंगे, और जब गर्भ में बच्चा आ जाता है तो उस समय वो कैसी शिक्षा देती हैं। और गर्भ के बाद भी 5 वर्ष तक माँ पहला गुरु है, और माँ बच्चे को बोलना सिखाना, उठना बैठना जागना, ये सारी बातें माँ उसको सिखाती है। क्योंकि हम आजकल भी देखते हैं हमारी जो माएं हैं वो जो अपने बच्चों को छोटी छोटी कविताएं अंग्रेजी में या अन्य भाषा में वो सिखाती हैं, और जो है माएं जो हैं उस समय की आर्यावर्त के समय की बात जब हम देखते हैं तो बच्चों को वीर गाथाएं सुनाती थी, वीरों की कहानियां सुनाती थी, संतों की कहानियां सुनाती थी, ऋषियों की कहानियां सुनाती थी। ये भूत प्रेत की बातें तो ये अब आई है बाद में आधुनिक काल में, उस समय ऐसी कोई बातें नहीं सुनाती थी। मैं तुझे हनुमान बनाऊंगी, तुम्हें राम बनाऊंगी, तुम्हें लक्ष्मण बनाऊंगी, तुम्हें जो है गवों का रक्षक बनाऊंगी, गवों का पालक बनाऊंगी, इस प्रकार की भाषाएं माँ देवनागरी भाषा में उसको, जैसे मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था कि 11 स्वर हैं, तो हमारे भी जब छोटे छोटे हम होते थे तो हमें अध्यापक पढ़ाते थे ऐसे अक्षर, आ से आदि, इते ई से इति, ई से ईश्वर, ऊ से उत्तम, ऊ से ऊर्धव, और री से ऋग्वेद आदि में उस ईश्वर का वर्णन आता है, और ए से एक है वो, आई से ऐश्वर्यवान है, ओ से उसका मुख्य नाम ओम है, औ से औषधि है। माँ भी ऐसी शिक्षा देती थी, गुरु भी ऐसी शिक्षा देते थे, और माँ जो है वो बच्चे को कभी भी बिल्ली आ गई या कुत्ता आ गया, हाउ आ गया या बाबा पकड़ ले जाएगा, ऐसी कोई शिक्षा माँ न दे, ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने लिखा है। माँ ऐसी शिक्षा दे जिससे बच्चे की
बुद्धि बढ़े, जिससे बच्चे का जो हम मस्तिष्क का विकास हो, दिमाग का विकास हो, क्योंकि भय भय को उत्पन्न देता है और डरावना सा रहेगा, उसके शरीर का पूरा विकास नहीं होगा, उसके दिमाग का पूरा विकास नहीं होगा। इसलिए माँ जो है उसको बच्चे को बढ़िया बढ़िया शिक्षा दे, अच्छी अच्छी शिक्षा दे। और माँ जो है हमेशा अपने बच्चे को सुबह जल्दी उठाए। कई बार माँ क्या सोचती है, भाई सोता रहेगा मैं काम कर लूं, उससे बच्चे के वो पूरे जन्म के संस्कार और वर्तमान जन्म के संस्कार जुड़ते हैं तो वो और भी बढ़िया बनेगा, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अच्छे काम किए थे, बढ़िया कर्म किए थे, इसलिए मनुष्य का शरीर मिला। और मनुष्य का शरीर भी अच्छे घराने में मिल गया मान लिया, तो उसके संस्कार वर्तमान में माँ बढ़िया उसके सामने अच्छी बातें प्रस्तुत करेगी, उसको सुबह जल्दी उठाओगी, उसको लोरियां देगी, उसको बढ़िया जो है समय पर उठा करके जैसे गर्म पानी दे दिया, उस बच्चे को जैसे सुबह समय पर शौच करवा दी, उस बच्चे को जैसे सुबह समय पर मुख आदि धो दिया और उसको छोटा छोटा जो है घुमा दिया, तो वो बच्चे के अंदर वो संस्कार पलते चले जाएंगे और माँ उसको देर तक सुलाती रहेगी, खुद भी देर तक सोती रहेगी, तो बच्चा आलसी बनेगा, वो कभी भी फिर सूर्य उदय होने से पहले नहीं उठेगा, वो सूर्य उदय के बाद आलस्य में पड़ा रहेगा। तो इसलिए माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को छोटे से को वो उठाए समय पर, और समय पर उठा करके उसको जो है शौच आदि करवाए, स्नान आदि उसको करवाए, उसको सुबह उठ करके थोड़ा सा पानी पिलाए, क्योंकि बच्चे को सुबह उठते ही हम दूध लगा देते हैं जिससे बच्चे को ज्यादा गैस बनती है। इसलिए सुबह चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे जवान है, सुबह पहले पानी पिलाना चाहिए, पानी खुद भी पीना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। फिर जो है आज कल हम क्या करते, बच्चे को दस्त लग गए तो कहते इसको टोटका हो गया, बच्चे को बुखार चढ़ गया तो कहते टोटका हो गया, बच्चे को जो है नींद कई बार नहीं आती, रोता ज्यादा, कई बार गैस ज्यादा बढ़ जाती, कई बार उसके अंदर जो है बच्चे के अंदर पित्त बन जाती है तो बच्चा सो नहीं पाता, लेकिन उसी समय हम बहम में पड़ जाते हैं और सियाने सप्टियां के पास जाए वहां बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा भले ही उन बातों को नहीं समझता लेकिन उसके सूक्ष्म विचार जो हैं वो उसको अनुभव कर रहे हैं, और फिर वो जो बड़ा होगा तो इन्हीं बातों में फंस करके वो रह जाएगा, इसलिए हमें इन बातों को कभी नहीं करना चाहिए। और एक हमारे भजनी तो एक गीत भी गा देते हैं कि मेरी सास अकल के तोड़े की, मेरी जाट दी गठ जोड़े की, गुड़गांव देन खंदाई है, मेरे पूत हुआ एक जेठा था जो बहुत ही प्यारा हेठा था है, और मैं कर बाटी बहुत बधाई, हुए पूत के उल्टी मरोड़े थे, मन पूजे पत्थर रोड़े थे, ऐसा काम कर देते, उधर दस्त लग रहे हैं, या तो उसको दांत निकल रहे हैं उस गर्मी से, या बच्चे ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया उससे, हम वो तो पहचानते नहीं। जैसे अनार, अनार की जड़ को जब दांत निकलते हैं तो अनार की जड़ को उबाल करके उसको दे दें, या बच्चों के इस पर जो है वो तेल आदि मल दें जिससे उसके गर्मी अंदर की निकले, वो बातों को उसके सिर के ऊपर तेल की मालिश कर दें, क्योंकि दांत निकलते हैं जब गर्म सिर हो जाता है, तो सुहागा चटा दें उसको शहद के साथ, ये चीजें तो हम करते नहीं, लेकिन हम जो है उल्टे सीधे कामों में घुस जाते हैं। और हमें अब पिंडारा का बहुत जिक्र आता है, बहुत जिक्र कर रहे हैं कि वहां पिरामिड बना हुआ, बहुत अच्छी पूजा पाठ है, लेकिन उसी गीत में एक लिख दिया कि जी बहुत ही अदोली थी, मैंने पिंडारा नानी बोली थी तो वहां जो बेटा मर गया, इस तरह से भजनी ऐसे कड़ाके से जोड़ देते हैं। लेकिन वास्तविक बात यही है कि अब भी हमारे माताओं का इतना अंधकार में जीवन है कि उनको बच्चे बनाने ही नहीं आते, कि बच्चों को हम कैसी शिक्षा दें, और पिता भी अपने कर्तव्य भूल गए, पिता भी जो ताश आदि खेलना या इधर उधर की बातों में लगे रहना, क्योंकि 8 वर्ष तक जो 5 वर्ष से 8 वर्ष तक बच्चा पिता के पालन पोषण में संरक्षक रूप में पिता उनके ऊपर रहता है, तो वो बातें ऋषि दयानंद ने खुल करके दूसरे समूलास में की है कि, और फिर तीसरे समूलास में की है कि जब विद्यार्थी 8 वर्ष का हो जाता है, और 8 वर्ष का जब विद्यार्थी हो जाता है तो उसको गुरुकुल में भेजा जाता है। हमारे सारे गुरुकुल जो है जब गुलामी का समय था तहस नहस कर दिए गए, गुरुकुल प्रणाली खत्म हो गई। महर्षि दयानंद ने गुरुकुल प्रणाली के बारे में सोचा और उसको पूरा किया उनके शिष्य स्वामी सिद्धानंद ने, सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी में उन्होंने गुरुकुल खोला था। और जब इस गुरुकुल प्रणाली को जो है
शुरू किया तो उसमें ये लिखा है कि जब बच्चा गुरुकुल में जाता है, तीसरे समुलास में लिखा है, तो उस समय उसको 3 दिन का उपवास रखवाया जाता है, उसको फल दूध पर रखा जाता है और फिर यजोपवीत धारण करवाया जाता है। जब यजोपवीत धारण करवाया जाता है तो उस समय कई तो माँ बाप बचपन में ही करवा देते, 5 साल का बच्चा होता है 5-8 के बीच में करवा देते हैं, लेकिन कई जो है वहां गुरु के पास फिर दोबारा उसको बदलवा देते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद ने कहा है कि अन्य ऋषियों ने भी ये, अन्य महापुरुष ने भी ये चर्चा की है कि शूद्र का बच्चे को ये जो पवित्र ना दे, ये तीसरे समुलास के अंदर लिखा है। ये जो पवित्र होता है उपवीत बैठना, ये जो पवित्र धारण करके ही वेद पढ़ने का अधिकार है, ये तीसरे समुलास में दिया गया है। जब ब्रह्मचारी जाता है तो उसको पहले यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है, फिर उसको गुरु मंत्र दिया जाता है, गायत्री मंत्र दिया जाता है, तीसरे समुलास में किया गया। गायत्री मंत्र केवल गुरु को ही देने का अधिकार है। गय जमा त्रय, गय माने इंद्रिया, त्रय माने त्रा देना, जो हमारी इंद्रियों को जो है संयम करने की शिक्षा देता है। भी कई बच्चे जो है गलत गाली दे देते हैं, कई बच्चे देर से उठते हैं, कई बच्चे देर से सोते हैं, कई बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कई बच्चे जो पढ़ाते हैं उसको ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो गुरु जो है उनको इस बात के बारे में सुबह संध्या के समय, शाम को संध्या के समय, पढ़ाते समय इन बातों को बताते हैं। और गायत्री वो होती है कि उन इंद्रियों को रोक लेना, इसलिए गायत्री मंत्र बुद्धि का विकास होता है। इससे इससे हमारे जो है एक विशेष शक्ति पैदा होती है इससे, और इसके अंदर 24 अक्षर हैं, 24 मात्राओं का छंद है ये, तो उसको जो है विद्यार्थी रटते हैं। और माँ भी जब बच्चा जब छोटा होता है ना, जैसे दूसरे समुलास में दिया है महर्षि दयानंद ने कि माँ छोटे छोटे श्लोक, छोटे छोटे सूत्र, छोटे छोटे छंद अपने बच्चे को ऐसे सिखाए। अब जैसे अब स्वामी रामदेव जी के वहां 2-2 साल के बच्चे हैं, 5-5 साल के बच्चे हैं, तो स्वामी जी उनको जो है प्राणायाम भी करवाते हैं। इसमें तीसरे समुलास में दिया है कि प्राणायाम का वो दिया है कि प्राण को साधना, विद्यार्थी अपने प्राण को कैसे साधे, बलिष्ठ कैसे बनाए शरीर को, इसलिए उनको सुबह 4 बजे उठाया जाता है गुरुकुल में, और 4 बजे शौच आदि से निवृत्त होकर के वो मल, कुश्ती और प्राणायाम, व्यायाम, आसन वो करते हैं। वो उनको सिखाया जाता है कि प्राणों को तुम कैसे साधोगे और उनकी बुद्धि कैसे तेज होगी, क्योंकि आजकल हमारी संगीता बहन पथरी जी की बात बार बार बताते हैं कि श्वास ही हमारा गुरु है, हमारा मन ही हमारा गुरु है। जैसे व्याघ्र को, शेर को, हाथी को वश में करना बहुत टेढ़ा काम है, उसी प्रकार श्वास को वश में करना बड़ा टेढ़ा काम है। तो स्वामी दयानंद ने तीसरे समुल्लास में ये किया है कि हमें पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा और प्राण स्वस्थ रहेगा, और शरीर ठीक रहे, मन स्वस्थ है, प्राण ठीक है, तो विद्या में ध्यान लगेगा। यदि हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमारा भोजन ठीक नहीं होगा, हमारा भोजन अन्नमय कोष ठीक नहीं होगा, बुद्धि ठीक नहीं होगी, प्राण ठीक नहीं होगा, मन ठीक नहीं होगा, तो हमारा बुद्धि में मन नहीं लग सकता। इसलिए तीसरे समुलास में प्राण विद्या की शिक्षा महर्षि दयानंद ने दी है। इसलिए आजकल हम देख रहे हैं कि पहले तो कसी का काम, कसोले का काम, गंडासे का काम, अन्य दूध बिलोने का काम, अन्य काम भारी भरकम बहुत होते थे, और सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। इसमें श्वास की 4 गति बताई है। एक तो हम सामान्य श्वास लेते हैं सारा दिन, श्वास लिया छोड़ दिया, कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, वो सामान्य उसमें आ जाता है। दूसरे प्रकार का श्वास महर्षि दयानंद ने जिक्र किया है कि हमने सांस भर लिया, भीतर ले जाकर रोक लिया, उसको अभ्यंतर कुंभक बोलते हैं। थोड़ी देर रोका, 2.5 सेकंड 3 सेकंड रोक करके, और फिर धीरे धीरे नासिका छिद्रों से बाहर छोड़ दिया, और बाहर छोड़कर रोक कर उसको बाह्य कुंभक बोलते हैं, और फिर धीरे धीरे फिर नासिका से अंदर ले गए। तो ये दूसरे प्रकार की क्रिया आ जाती है। और तीसरे प्रकार की क्रिया का महर्षि दयानंद ने जिक्र किया है कि हमने सांस भरा और रुक गए, फिर दोबारा भरा, फिर रुक गए, फिर भरा, मतलब पूरा हमने अभी भरा नहीं है, मन चाहा वहीं सांस को भरते भरते रुक गए। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं और चलते चलते हम रुक गए, अभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचे,
किसी स्थान पर, किसी विद्यालय में, बैंक में, घर में, पार्क में हमने जाना है और चलते चलते हम रुक गए, फिर चल पड़े, फिर रुक गए, फिर चल पड़े। ऐसे ही जब हम पार्क में गए या वहीं जाना था हमें, जैसे वो लक्ष्य था, तो हमारा लक्ष्य वहां पूरा हुआ, तो हमने सांस को पूरा भरना है, लेकिन भरते भरते बीच में हमने रोक लिया तो तीसरी गति है, और चौथी गति है स्तंभ गति। हमने सांस पूरा भर लिया और छोड़ना मन करे लेकिन नहीं छोड़ते, फिर छोड़ना मन करे लेकिन नहीं छोड़ते, फिर छोड़ना मन करे लेकिन नहीं छोड़ते, ये चौथे प्रकार की गति आ जाती है। तो इसमें तीसरे समुल्लास में इस प्रकार का भी वर्णन किया है। और शरीर की जो है अनुमति के अनुसार हमें आसन प्राणायाम करने चाहिए, जबरदस्ती शरीर के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत कामुक व्यक्ति है, बहुत बार बार जबर आता है, तो उसको जो है हल्के फुल्के करने चाहिए, उसको ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए इनके ऊपर। जब शरीर स्वस्थ हो जाता है तो उसके बाद स्वामी जी ने संध्या का वर्णन किया, वैदिक तीसरे समुल्लास में वैदिक संध्या, इसमें 19 मंत्र आ जाते हैं। दोनों समय जब हम संध्या करते हैं, सबसे पहले जो है गायत्री मंत्र शिखा बंधन बोल देते हैं, चोटी को बांधना, और उसके बाद सन्योदय भी रविष्ट आपो भवंतु पीतय संयो रवि सरवंतु ने, वहां से हम शुरू करते हैं संध्या को। और वैदिक मंत्र संध्या, वो संध्या विद्यार्थी को तीसरे समुल्लास में दिया सिखाएं, क्योंकि वैदिक संध्या ध्यान, आजकल हम ध्यान लगा रहे हैं, जैसे वो कोई भी एक मंत्र ले लेते, कोई भी श्लोक ले लेते, कोई भी सूत्र ले लेते हैं, कोई भी बढ़िया दोहा ले लेते हैं, कोई भी पदावली ले लेते हैं, कोई भी कविता ले लेते हैं, या ये मान लेते हैं कि शरीर तो शून्य है ही नहीं, शरीर संसार है ही नहीं, धुआं सा है, काला काला कुछ नहीं है हमारी आंखों के सामने, ऐसे ध्यान लगा लेते हैं। तो ये जो है मनन चिंतन का ध्यान का कई प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जो वेद में वर्णन आया है, तो महर्षि दयानंद ने उसमें जो वैदिक संध्या का वर्णन जो किया, श्री राम जो करते थे दोनों समय, श्री कृष्ण जो करते थे दोनों समय, हनुमान जो करते थे दोनों समय, और हनुमान जब सीता को ढूंढते हुए जाते हैं पर्णकुटी में, उनको पता था कि अशोक वाटिका में वो गए कि जरूर संध्या का समय है और सीता माता इस समय वैदिक संध्या कर रही होगी, एक हवन कर रही होगी। इस तरह से जो है हमें वैदिक संध्या भी सीख लेनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है ये, बड़ी आसान है। जब हम उनके पूर्वज हैं, राम के वो पूर्वज हैं, हम श्री कृष्ण के पूर्वज हैं, उनके वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, तो हमें उनको सीख लेना चाहिए, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद इसी तीसरी समुल्लास में हवन का वर्णन आ गया कि हवन हम क्यों कर कैसे कर, क्योंकि कर्म कांड भी अलग अलग तरीके हैं सबके, कोई किसी रूप कर रहा है, कोई किसी रूप में कर रहा है, कोई जैसे गाय को रोटी दे दी वो भी एक कर्म कांड है, पक्षियों को खिला दिया, दाने आदि डाल दिए वो भी एक कर्म कांड में आ जाता है, या कोई जोत लगा लिया अखंड जोत वो भी एक कर्म कांड में आ जाता है, या हम पीपल के नीचे लगाने जाते हैं क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और इस बार ने कुछ देर हमने ऑक्सीजन ज्यादा ले ली वो भी एक कर्मकांड है, कई तुलसी के पास दीपक लगा देते हैं, तुलसी जो है एंटीबायोटिक भी है, उसके पास भी सेली जीवाणु नहीं आते, तो वो भी एक कर्मकांड है, इस प्रकार के कर्मकांड। लेकिन महर्षि दयानंद ने जो है 16 आहुति प्रतिदिन दे करके तब भोजन करना चाहिए, और ये महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, वाल्मीकि लिखते हैं, महर्षि वाल्मीकि, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया जन्म से मृत्यु पर्यंत तक, कि मतलब उन्होंने लिखा रामायण में कि मैंने कोई पाप नहीं किया, उनको चोर भी बता देते हैं, डाकू भी बता देते हैं, लेकिन वाल्मीकि का मतलब था दीमक चढ़ जाना, मिट्टी चढ़ जाना, जब वो तपस्या करते थे, जहां बैठ करके वो तपस्या करते थे, तो दीमक चढ़ गई उनके ऊपर, और इतनी दीमक चढ़ गई कि वो जो है उनको फिर वाल्मीकि नाम से जानने लगे। कई कह देते हैं भाई चोरी करते थे, रत्नाकर नाम था, और एक बार उनको बांध दिया गया और पूछ है, मैं तो अपने घरवालों के लिए चोरी करता हूँ, डाके डालता हूँ, लेकिन घरवाले मना कर गए तो उन्होंने डाका मारना छोड़ दिया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है। और उनको जो है ज्ञान लिखने का हुआ था क्रोच क्रोन चिनी, दोनों जो है
वो अपना कलोल कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, शिकारी आता है, क्रोच पक्षी मारा जाता है तो क्रोचनी दहाड़ती है, चित्कारती है, चिल्लाती है, और उस समय जो मां निषाद एक उनके मुंह से वर्णन निकलता है और फिर वो नारद मुनि से मिलते हैं तब वो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन भी महर्षि दयानंद ने लिखा है कि वाल्मीकि ने कोई ऐसा पाप नहीं किया, और उन्होंने लिखा है कि मुझे वो पाप लगे जो दोनों समय संध्या न करने वाले को लगता है, ये वाल्मीकि जी ने लिखा है। और महर्षि वाल्मीकि ये भी लिखते हैं कि मुझे वो पाप लगे जो दोनों समय बिना हवन किए भोजन करता है, क्योंकि जो कुछ हम रसोई में पकाते हैं मीठा, नमकीन या खट्टा नहीं देनी चाहिए होती, पहले हम अग्नि देवता को खिलाएं, अग्नि देवता उसको खाएगा और फिर अग्नि देवता उसको सूक्ष्म करके हवा देवता को देगा और जो भी प्राणी उसको सांस लेगा उसके द्वारा वो पाकशाला का भोजन पहुंच जाएगा। ये है खिलाना और फिर उसके बाद हम खाएं। और फिर जो है ये आचमन करने का पात्र है, ये घृत आहुति देने का पात्र है, ये यज्ञ कुंड है, ये सामग्री रखने के पात्र हैं। पूरा इसमें तीसरे समुल्लास में ये वर्णन किया है कि गुरु अपने विद्यार्थियों को, अपने ब्रह्मचारियों को ये शिक्षा देता है कि हवन कैसे करें, क्यों करें, कब करें, किस समय करें, ये उसके अंदर दिया गया है। और ये जो है आने का तरीका भी होना चाहिए, क्योंकि हम महर्षि ने कहा है कि 16 तो आहुतियां दें, लेकिन इसके अतिरिक्त कई बार नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार या अन्य कोई संस्कार करवाते हैं उसमें अतिरिक्त आहुतियां दे सकते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन जो है तीसरे समुल्लास में आया। और उसमें फिर कहा कि जो विद्यार्थी 8 वर्ष का तो जाता ही है वो, और 18 वर्ष तक उस सीख जाता है तो ब्राह्मण उस कोटि में आ जाता है। 18 और 8 24 से 25 26 में वो सीख जाता है, वो ब्राह्मण कोटि में आता है। और जो यहाँ तक नहीं सीख पाता वो आगे तक सीख जाता है, वो वैसे और किसान कोटि में आ जाता है, जो वहां तक भी नहीं सीखता वो सुदर सेवा के काम में आ जाता है। और उन्होंने जो है इसमें लिखा है कि ब्रह्मचारी जो है 24 वर्ष तक शिक्षा पा करके यदि वो चाहे तो फिर वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है, नहीं तो वो आगे पढ़े और आगे उन जो है शिक्षा पाए, और आगे जब वो शिक्षा पाएगा तो उसको आगे शिक्षा पाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और ये जो धातुएं पढ़ते हैं वहां पर, वो ब्रह्मचारी 25 वर्ष से 26 वर्ष, जब 25 वर्ष तक पूरी नहीं होती तो दूसरा है 25 वर्ष से 26 वर्ष के अंत तक, और फिर तीसरे में आ जाता 26 से 40 वर्ष तक पूर्ण, उसमें 26 से और 46 वर्ष तक वो पढ़े। तो उसमें जब वो पढ़ता है तो उसके अंदर जो धातुएं वो पढ़ता है, जितनी उसने धातुएं पढ़ी उससे अतिरिक्त उसका जो बल है, उसका जो अंदर की जो शक्ति है, उसके अतिरिक्त जो आ जाती है वो फिर नासिका से या मुख के द्वार से बाहर निकल जाती है। तो परिपक्व हो जाता 48 वर्ष तक, इसलिए 48 वर्ष के ब्रह्मचारी को शादी करवानी चाहिए, वो योग्य होगा शादी के, और उसके अंदर पूरा ब्रह्मचर्यता होगा, उसके अंदर पूरी परिपक्वता होगी। इसलिए श्री कृष्ण का उदाहरण भी हमारे सामने है, महर्षि दयानंद ने पहचाना ऋषि श्री कृष्ण को, उनको जो है योग ऋषि माना, उन्होंने कहा कि उन जैसा आप्त पुरुष माना कि श्री कृष्ण ने जिंदगी भर कोई पाप नहीं किया। और जो है वो 48 वर्ष के थे, उनका 36 वर्ष का बेटा था, वो 64 वर्ष के थे, वो पहचान नहीं सकी थी उनकी पत्नी रुक्मणी उनको, और उन्होंने अपनी पत्नी से 12 वर्ष इसलिए अखंड तपस्या, क्योंकि मान लिया ब्रह्मचारी की 25 वर्ष के बाद शादी हो जाती है तो जरूरी नहीं हो गृहस्थ आश्रम आ गया तो वो ब्रह्मचारी नहीं रहेगा। जैसे अतिरिक्त समय श्री कृष्ण ने 12 वर्ष लिए, अतिरिक्त समय अन्य गृहस्थी भी ब्रह्मचारी रूप में रह करके उन धातुओं का संग्रह कर सकता है जिन धातुओं के लिए वो गृहस्थी में आकर के एक अच्छी संतान दे सके। इस प्रकार का वर्णन इसके अंदर आया है। तो ऐसा गुरु ब्रह्मचारियों को शिक्षा देते हैं, पूरे वहां पर वो शिक्षा पा करके और जब विदा लेना चाहते हैं अपने गुरुओं से तो उस समय वो
समावर्तन संस्कार आ जाता है कि वहां अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त करके वो वहां से चल पड़े। अब वो आगे उसकी मर्जी है, वो आजीवन ब्रह्मचारी नैष्ठिक ही रहना चाहता है या वो गृहस्थी में आना चाहता है, क्योंकि गृहस्थी में आना भी जरूरी है। अगर गृहस्थी में ब्रह्मचारी नहीं आएंगे, संसार कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे चलेगी। रचा है ये सृष्टि को रचाने वाले यही है। एक बहुत बढ़िया गीत भी आता है, रचा है इस परमात्मा ने जिस सृष्टि को, कैसे वो सृष्टि चली है। आजकल वो फेसबुक पर या यूट्यूब पर बड़ा चल रहा है कि किस प्रकार दो जीव मिलते हैं, किस प्रकार वो मिल करके सृष्टि का आगे निर्माण करते हैं। तो रचा है जिस सृष्टि को उस परमात्मा ने, उसी की रचना ये सृष्टि को बना रही है। तो इस प्रकार का वर्णन महर्षि दयानंद ने किया और गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया। गृहस्थी जो है चौथे समुलास में आ जाता है कि किस प्रकार गृहस्थी अपनी जिम्मेवारियों को निभाए। गृहजमस्थ स्थ माने ठहर जाना, घर में ठहर करके किस प्रकार जिम्मेवार, मतलब सत्य को ग्रहण करे, मिथ्या बातों को कोई भी ग्रहण न करे, जो जैसी है उसको वैसा ही माने, अनग्रल झूठी फ्रेब की बातों में गृहस्थी ना फंसे। पति और पत्नी दोनों जो है मिल करके उत्तम संतान का निर्माण करके राष्ट्र को समाज को दे, ये गृहस्थी का कर्तव्य बनता है। और जब गृहस्थी जो है दोनों आपस में मिलजुल करके अपने विचारों से ओतप्रोत होकर के अपने परिवार में मिलजुल करके अपने रिश्तेदारों से गली मोहल्ले से मिल करके चलेंगे तो अनगरल बातों वैसे नहीं फंसेंगे। पर कई बार क्या होता है कि अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कोई भी गृहस्थी ऐसा हो जाता है उल्टे सीधे काम करने के लिए। पहले जमाने में, अब भी बहुत होता है, पहले जमाने में सुनते थे उसने, उसके गृहस्थी ने बेटो अपने स्वार्थ के लिए बेटोड़ा फूंक दिया, उसके बालक की चोटी काट दी, उसके बालक के जो बाल काट दिए, उसके बालक को ये चोट पहुंचा दी। ऐसा गृहस्थी को कभी भी अपने स्वार्थ में उल्टा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली है। यदि हमें जीवन में कुछ पाना है तो सारे उल्टे सीधे इन झाड़े फूक पाखंड से हमें बचना होगा। एक गृहस्थी का ये कर्तव्य बनता है कि इन बातों से बहुत ज्यादा दूर रहना होगा। ये महर्षि दयानंद ने खुल करके 11वें समुलास में इसका वर्णन किया है। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि पहला समुलास पढ़ने लग जाते हैं उसमें ईश्वर के नामों की व्याख्या की है और थोड़ा सा यूं सोच देते हैं भाई छोड़ो इसको, इसलिए उसको ना पढ़ करके पहले थोड़ा सा सरल उसको ले लें, 11वें समुलास को ले लें या तीसरे को ले लें या दूसरे को ले लें। इस तरह से 11वें समुलास में पूरा उनका वर्णन किया है। जैसे कई बार ये कहते हैं कि टोक लागी एक गृहस्थ, इसको तो नजर लागी और मिर्च को फूंक देते हैं, वो मिर्च के फूकने से क्या है, सारा जहरीला वातावरण तीखा तीखा वातावरण हो जाता है। तो वो अंधविश्वास है, वो गलत है। कई बार क्या करते हैं कि हम तेल का वो लगाते हैं, तेल कीटाणु जो है वो उनका खत्म करता है और जो वातावरण है उसको हल्का बना देता है, उसकी जोत लगाते हैं, लेकिन वो दीवार के चिपका दें, वो तेल तो टपकेगा, बूंद बूंद टपकेगा, वो फिर कह देता पंडित देखो ये टोक जो है ना वो टपक रही है। लेकिन हम भोले प्राणी ये नहीं सोचते कि ये तेल है या घी की जोत है वो टपक रही है। तो उस समय बच्चा जो है वो रोता है क्योंकि भारी वातावरण हो जाता है, हल्का वातावरण बनाने के लिए वो जोत लगाए, वो तो एक बुद्धि का काम है, लेकिन हम ये सोचे कि इससे हमारी ये टोक जट जाएगी, वो गलत बात है। एक जो है कई बार बच्चा पैदा होता है गृहस्थी के यहाँ तो वो क्या करते हैं, बाहर अंगार रखते हैं, बहुत जरूरी है ये, वो बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर से जब कोई भी आदमी आता है तो ऐसे कई बार वातावरण से आते हैं, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, धूल भरे वातावरण से हम आ रहे हैं या किसी बदबूदार स्थान से हम आ रहे हैं, तो पहले हम उसके ऊपर जो सामग्री डाली है, नीम की पत्ती डाली उन अंगारों पर या गुगड़ डाली उन अंगारों के, लुबान डाली उन अंगारों के ऊपर, तो ऐसे कपड़ा झाड़ देते हैं भाई हम जब बाहर से आए हैं तो उस बच्चे को और उस जच्चा को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उसको बाहर रखते हैं। ये चौथे उसमें
जो है, और 11वें समुल्लास में महर्षि दयानंद ने खुल करके वर्णन किया है कि इस सत्य बात को मानना है, इस ज्ञान को मानना है, इस मूर्ख काम को नहीं करना है। यदि ऐसा करते हैं तो हम बहुत अच्छा है। अब भी हम कोरोना के समय में भी हम यही कर रहे हैं कि जब सुबह हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ करके कोयले बनते हैं, अंगार बनते हैं, तो नीम की पत्ती या तुलसी की पत्ती उसके ऊपर डाल देते हैं, या गिलोय की पत्तियां डाल देते हैं, या जो उसके ऊपर हम गूगल डाल देते हैं, राई डाल देते हैं, सरसों डाल देते हैं, तो वो जैसा हम डालते हैं उसका प्रभाव उस वातावरण के ऊपर पड़ता है, वो जरूरी है। लेकिन कई बार हम घर के बाहर जच्चा है कि उसमें नीम की पत्ती बांधते हैं, वो गृहस्थी उनको जानकारी है, क्योंकि नीम जो है वो ठीक है, बांध दिया भाई कोई बात नहीं, वो पाखंड नहीं है। कई बार जो है हम एक कोई मर जाता है हमारे घर में और हम उस मुर्दे को नहलाते हैं, उसके अंदर जो विषैले गैस थी या कोई जीव आदि था तो वो छोटा सूक्ष्म सा या नारे, जैसे पानी को हम कहते बाहर, उसको बाहर फेंक दो। मैं देखती हूँ कई घरों में क्या करती है, पोचा सा लाऊंगी और कोई अपने घर में तो चल लेना, दूसरे के घर में जरूर चलाऊंगी, नू ना नू मत घुमाओ, लेकिन वहां यूं समझा दे बेटा इसको बाहर फेंको, क्योंकि जो कुछ इसमें से मुर्दे में से निकला है, एक गृहिणी का ये काम है इन बातों को समझना, सोचना, अपने यहाँ भी अपनाना और दूसरों को भी ये समझाना। और वहां हम नीम की पत्तियां खवाते हैं, नीम की पत्ती इसलिए खवाते हैं ताकि हमारे अंदर कोई विषैला कीटाणु जो गया है वो कड़वेपन से दूर हो जाए। तो ये चीजें एक गृहिणी के लिए ये अपनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई बार हम क्या करते हैं कि बाहर से आए हैं, चौराहे पर चल रहे हैं, तो चौराहे के ऊपर से चल के दिमाग में बैठा लियो चौराहे तो आई हूँ, मन बना लिया कि जरूर कुछ ना कुछ होगा, जरूर कुछ चिपक के आ गया और होगा, वो होकर ही रहेगा शाम तक, क्यों न्यू होकर रहेगा वो, क्योंकि उस चौराहे पर से चले हम तो दिमाग में बैठ गया, मन में बैठ गया और मन ने संकल्प कर लिया होगा और जरूर वो मन चकरा जाएगा, उस समय या तो बुखार सा बन जाएगा या सिर भारी हो जाएगा। इसलिए मन में ये संकल्प करना चाहिए, मैं चौराया तो न्यू बचाना, कदे नून तगाडी आ जाए, नून तगाडी आ जाए, नून ता आ जाए, नून ता आ जाए। और पहले चौराया पर इसलिए बीच में दरिया करते, छोटी छोटी दो चार घर की बस्ती होया करती, पशु बहुत कम होया करते, दूर जंगल जंगल मंगने होया करते, न्यू सोचते अरे चौराहे पर दर जाए, कुत्ता बिल्ली को डांगर आकर इन्हें खा जाएगा, अगर वो मान लिया करते। लेकिन ये तो इतना विज्ञान का युग आ गया कि गाड़ी पर गाड़ी, गाड़ी पर गाड़ी, गाड़ी पर गाड़ी, वो सारा जो है उनका धरा हुआ वो चीता, वो अज्ञान है। वो 11वें समुल्लास में उसका खुल करके महर्षि दयानंद ने वर्णन किया है कि ये गृहस्थी को ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नाज का कुनाज होता है, किसान बड़ी मुश्किल से उनको पैदा करता है, इतनी मेहनत पैदा करनी, जब हम अनाज की इतनी दुर्गति कर रहे हैं तो परमात्मा अगले जन्म में भूखा रखेगा, हमें भीख मांग के खानी पड़ेगी, ये सोचना चाहिए हमें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और जब हम इन चीजों को मानेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। कई माताएं ये सोचती हैं, कई गृहस्थी सोचते हैं बालक जो है खूब खा हुआ है, खूब पियो है, पर मोटा ना हो रहा, तो उस समय भी जो है उनको उल्टा सीधा खाना दे देते हैं, उल्टा सीधा खाना गृहस्थी आश्रम में जब आता है तो नहीं देना चाहिए। हम हरेक बात को सोच सोच करके करेंगे तो गृहस्थी जीवन हमारा ठीक चलेगा, और पत्नी को पति पर विश्वास करना, पति को पत्नी पर विश्वास करना, तब गृहस्थ माने ठहरना, गृह माने घर, घर में ठहर करके पूरी जिम्मेवारी करना। इसलिए गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एक गृहस्थी के ऊपर गुरुकुल निर्भर है, एक गृहस्थी के ऊपर गौशालाएं निर्भर हैं, एक गृहस्थी के ऊपर ब्रह्मचारी निर्भर हैं, एक गृहस्थी के ऊपर वानप्रस्थी निर्भर हैं, एक गृहस्थी के ऊपर सन्यासी निर्भर हैं, एक गृहस्थी के ऊपर जीव जंतु पेड़ पौधे निर्भर हैं, ये और गृहस्थी ही पांच यज्ञ करके उनको पूरा करता है, क्योंकि पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर न उस परमात्मा का ध्यान करना, जो आजकल हमारी बहन बहुत अच्छी तरीके से ध्यान लगवा रहे हैं अपना, ये ब्रह्म यज्ञ में आ जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म यज्ञ करना।
और दूसरा ये जा जाता है देव यज्ञ, जो छोटा सा दीपक लगा करके बहुत से घरों में तो खैर हवन करने लग गए अब इस कोरोना से डर करके, कि ताकि ये बीमारी दूर भाग जाए। और बहुत से घरों में करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। और तीसरा ये जा जाता है माता पिता सेवा करना, और वो यज्ञ हमारे घरों में छूट गया, बड़ा दुख होता है उसका, क्योंकि उनको बेचारों सबसे तगड़ा रखवाला। कई जगह जब मेरा प्रवचन होता है तो बड़ा हंसती हूँ मैं उनसे कि इतना सस्ता नौकर कहीं नहीं मिलेगा। माँ बाप इतने सस्ते नौकर हैं, एक बहू जो है बच्ची की उंगली पकड़ के आया के विश्वास पर छोड़ के जाएगी, या पड़ोसन नन्नों कह के जाएगी, सासू तो बोल चाल नहीं, ना नन तो बोलती, ना दुरानी जिठानिया तो बोल रहे, अन्नों कह के जाएगी मेरा बालक उसने देखा, पड़ोसन ने कह जाएगी। लेकिन आप आया घर में रखने लग गई, उनका रिवाज हो गया, और वो सब कुछ सामान ले जाए उनका, और उसको 10,000 में लगाया लेकिन आपको 20,000 में पड़ेगा, क्योंकि वो खुल के तो रसोई में करेगा काम, और खुल के वो खर्चा कपड़े कपड़े धोने में करेगा, और उस वो खुद भी खाओगा, बचा खुचा वो ले भी जाओगा, और तीज त्योहार भी ले जाएगा, और वो बेचारी दो कपड़े और रोटी ले, दोनों टाइम सब्जी रोटी, कितना सस्ता नौकर, कितना प्यार, अगाध प्यार। वो पितृयज हमारे घरों में छूट गया, तो ये मेरी श्री दयानंद ने इसके ऊपर बड़ा बल दिया है, और ये ही सत्य बात कही है, ये अकाट्य बात है, उसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि आज जो पितृयज हमारा बेकार हो गया, जितना दुखी आज हमारे वृद्ध आश्रम में छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं पति पत्नी, क्यों, उनके आपस में विचार नहीं मिलते, पति पत्नी के टकराव होता है, और वो टकराव सारा बेचारे बुजुर्ग आदमियों पर गुजरता है, फिर उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ जाते हैं। तो ये तीसरा यज हमारे यहाँ बहुत दुखदायी हो गया, और चौथा यज बलि वैश्य यज वो बहुत करा है, कीड़ी जमा दी, पक्षी जमा दी, गौ जमा दी, साधु को आ गया उसको रोटी दे दी, उसमें भी अपना स्वार्थ है कि बेटा पास हो जाएगा, बेटे ने नौकरी मिल जाएगी, बेटे का ब्याह हो जाएगा, मेरी गृहस्थी बढ़िया चल जाएगी, वो भी, लेकिन वहां भी हम स्वार्थ को छोड़ के निस्वार्थ भाव से, ये हमारा कर्तव्य है, हम नहीं करेंगे, मनुष्य नहीं करेगा तो कौन करेगा, विद्या विहीन नर पशु समाना, यही तो मेरी श्री दयानंद ने दूसरे समुल्लास में, तीसरे समुल्लास में, चौथे समुल्लास में इन्हीं बातों की चर्चा की है, कि किस प्रकार एक जो है विद्या पा करके हम पशु से अपने मनुष्य के गुणों को ढूंढेंगे। जो बलवान है वो दुर्बल को मारते हैं, पीटते हैं, बलवान जो पशु है वो दुर्बल को मारता है, भगाता है, तो हम भी ऐसा ही करने लग गए, हम भी जो है कमजोर को ज्यादा सताते हैं, दुर्बल को ज्यादा सताते हैं, गरीब को ज्यादा सताते हैं, उनके हक को मारते हैं, तो हमारा और उनमें कोई फर्क नहीं रहा, हम मानव धर्म से गिर गए, इंसानियत धर्म से गिर गए, हम पशुवत हो गए, ये महर्षि दयानंद ने वर्णन किया अपने समुल्लास में। ऐसी विद्या हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम अपने अतिरिक्त दूसरे का उत्थान करें, अपना व्यक्तिगत उत्थान तो हम करें लेकिन हम दूसरे की सोचें, हम मैं से निकल करके हम जो है व्यक्तिगत दायरे से निकल करके, वैष्टि से निकल करके समष्टि की ओर फैल जाएं, हम फैल जाएं, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, तभी हमें चैन मिलेगा, तभी हमें आनंद मिलेगा। हम केवल अपना अपना सोचते रहेंगे और दूसरे को हम तड़पते अंदर से, भले हमें वो नहीं करते हूं। मेरी आज श्रीता बहन से बात हो रही थी कि अंदर के जो भाव हैं वो हमारे चेहरे पर दमक जाते, चमक जाते हैं, दूसरे को खिला करके वो चेहरा खुश होगा, दूसरे की सेवा करके चेहरा खुश होगा, दूसरे को तड़फाएंगे, दूसरे पर गुस्सा करेंगे, नथुने फूल जाएंगे, भ्रुकुटियां तन जाएंगी हमारी, कितना दुख होता है, हम इंसानी धर्म से गिर जाते हैं। करुणा का रस, विवत्स का रस, आश्रय का रस, वीर रस, रोदर रस, श्रृंगार रस, ये कहाँ अंदर है, लेकिन ये कहाँ से पता लगते, चेहरे से पता लग जाते हैं, हमारा चेहरा बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, ये महर्षि दयानंद ने यही कहा है कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, यही सत्यार्थ प्रकाश के समुल्लास में उन्होंने विद्या का वर्णन जो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में किया है, यही किया है। एक वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मने चले जाना,
जब गृहस्थी अपना गृहस्थ आश्रम पूरा कर देता है, बढ़िया संतान बना देता है, बढ़िया सेवा कर देता है गुरुकुलों की, अनाथालयों की, समाज की, और उसके बाद राजे हमारे कितने हुए हैं, कितने राजाओं के उदाहरण हमारे सामने कि अपने राजपाट को दूसरा उत्तराधिकारी बना करके वानप्रस्थ ले लिया, संन्यास ले लिया, लेकिन आज हम फसम फस रहे थे अपने घर में, अपने घर में ही चिपके रहते हैं। लेकिन मैं अपनी बताऊं 24 घंटे में मैं 18 18 घंटे कई बार बाहर रहती हूँ और घर के काम में भी लिप्त रहती हूँ, क्योंकि हम दूसरों के लिए बने। इन मनुष्य का जन्म दूसरों के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि हम आश्रित नहीं है दूसरों पर, हम तो स्वावलंबी है, हम स्वयं पर आश्रित है। इसलिए हमें दूसरों की सेवा में जो आनंद मिलेगा उस सेवा से हमें कभी भी कोताही नहीं बरतनी है। ये और वन प्रस्थ माने चले जाना, जंगल तो रहे नहीं, लेकिन हमें किसी अच्छे गुरु की शरण में, जैसे बहन जी ने जो पथरी सर से बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया, और वो पा लिया कि सांस को ही गुरु बना करके, मन को ठहरा करके, और इतना इन्होंने ज्ञान, किसी भी विषय को ये छेड़ती हैं, उसी कोई भी कोई अपना अनुभव देने लगता है तुरंत उस विषय को, फला पुस्तक में ये देखी मैंने, फला ग्रंथ में मैंने ये देखा, फला जगह मैंने ये देखा, कितना अनुभव है। क्यों है ये? क्योंकि इन्होंने अपने सांस को गुरु मान लिया, अपने मन को गुरु मान लिया। इसलिए जितना हम अंदर डूबेंगे उतना ही ज्ञान के गोता लगाएंगे, उतना ही हम बहुत मगन ईश्वर की भक्ति में। अरे मन तू क्यों नहीं होता, पड़ा आलस में मूर्ख रहेगा कब तलक सोता। तो हमें आलस्य में कभी नहीं पड़ना है, अपने मन को साधना है, अपने विचारों को साधना है। हमें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना है, और बहुत कुछ प्राप्त करके हम तभी जो है पाखंडों से, अज्ञान से, अंधविश्वास से बच सकते हैं। महर्षि दयानंद ने राजधर्म की बात की, एक राजधर्म समुलास में कहा कि राजा कैसा हो, यथा राजा तथा प्रजा। हम प्राचीन इतिहास उठा उठा करके देखते, श्री राम का यही तो है कि कैसे थे वे, हैं? राम का नाम लेने से पहले करो राम से काम, यदि तुम भक्त राम के हो। हमें वैसे ही का मर्यादा में थे वे, उनकी प्रजा भी मर्यादा में थी, वहां चोरी डाका नहीं था, वहां भी चोरी डाका नहीं होता था। इसलिए हमें उन कामों को सोचना चाहिए। राजा जनक का उदाहरण हमारे सामने, हमारे सामने राजा भरतरी का उदाहरण है, कितने उदाहरण हमारे सामने, चाणक्य का हमारे सामने उदाहरण है। तो ये वो वानप्रस्थ बने और फिर उन्होंने संन्यास लिया। इसलिए जब महर्षि चाणक्य संन्यास ले करके वानप्रस्थ के बाद संन्यास लिया और वो घूम रहे थे, परिव्राजक बन गए। परिव्राजक का मतलब था घूम घूम करके प्रचार करना। तो अपनी नगरी में आते हैं एक बार और कई दिन घूमते हैं, तो एक वृद्ध पूछता है भाई क्या देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो महर्षि चाणक्य कहते मैं शमशान ढूंढ रहा हूँ, मूर्तों को ढूंढ रहा हूँ। तो वृद्ध कहता है कि यहाँ तो जिंदा रहते हैं। बोले नहीं रे, मैं उन मुर्दों में ही शमशान ढूंढ रहा हूँ जिनके घरों में ब्रह्म यज्ञ नहीं होता हो, जिनके घरों में स्वा स्वा की मंत्रो उच्चारण करके हवन नहीं होता हो, जिनके घरों में वृद्धों की सेवा न होती हो, जिनके बच्चे संस्कारी न हैं, वही तो शमशान है, वही तो मुर्दे हैं, वही तो जिंदा लाश है, वहां तो मुर्दे जलाए जाते हैं, यहाँ जिंदे जल रहे हैं, ऐसा मेरी चाणक्य ने कहा। स्वामी राम तीर्थ ने ऐसा कहा, स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा। जब स्वामी विवेकानंद विदेश में बड़ी मुश्किल पहुंचे, सभी धर्मों का एक सम्मेलन था, और जब उन्होंने अपना आध्यात्मिक ज्ञान दिया, उनके जो वैज्ञानिक 24 घंटे विज्ञान में डूबे रहते थे, प्रयोगशालाओं में डूबे रहते थे, जब उनके उपदेश सुने तो छोड़ करके उनके अनुयायी बन गए। निवेदिता मार्गरेट जिनका नाम था उनके साथ साथ आ गए। तो कितना अनुभव ऐसे हमें इन सन्यासियों से, इन महापुरुषों से मिल रहा है, और ऐसे महापुरुषों के शरण में आकर के हमें अपने विचारों से ओत प्रोत होकर के आगे बढ़ना है। राजा आज बिगड़ गए, राजा अपने कर्तव्य को भूल गए, इसलिए प्रजा, प्रजा क्या है? प्रजा चुन के भेजती है। अनम्यूट हो गया मैम आपका। होने के बाद उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता उनको। और 5 साल बाद फिर वो झूठे वायदे करके आ जाते हैं। कहीं भी देख लिया
किसी को भी देख लिया, लेकिन वो क्योंकि प्रजा भी वैसी ही होगी और राजा भी, तो राजा की बात भी महर्षि दयानंद ने की और कुछ बातें महर्षि दयानंद ने फिर आगे जो है इस जैन धर्म की भी की, बौद्ध धर्म की भी की। एक समोल्लास में उन्होंने जो कहा कि इनको जो है हमें जो उनके गुण है वो ग्रहण कर लेने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है 12वें समोल्लास में बौद्ध धर्म और जैन मत की बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके अंदर जो गुण है उनको अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं किसी का खंडन नहीं करता, जरूर है मेरा जन्म आर्यावर्त देश में हुआ है, मैं आर्यावर्त देश में पैदा हुआ हूँ, मैं अपने देश की बात करूंगा, लेकिन अगर विदेशी लोगों के अंदर सभ्यता है, संस्कार है, मानवता है, इंसानियत धर्म है, मैं उनकी भी पूजा करता हूँ, मैं उनको भी शिरोधार्य करता हूँ। उन्होंने कभी उनको ऐसा नहीं कहा। और तीसरे जो है 13वें समोल्लास के अंदर ईसाई मत की चर्चा की है। एक चमूपति जी ने लिखा है कुरान वेद की छाव में, बहुत अच्छा पुस्तक है, चमूपति जी ने जो लिखी है, जो कुरान है वेदों की, वेद की छाव में, उसको पढ़ा मैंने कई बार पढ़ा, बहुत अच्छा उसके अंदर कि कुरान में भी जो आयते हैं किस प्रकार वेदों से ग्रहण कुछ बातें की गई हैं, तो वहां जो अच्छी बातें हैं जो गुण हैं उनको ग्रहण कर लेना चाहिए और उनके ग्रहण करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और 14वें समोल्लास के अंदर जो है मुसलमानों का जो है उनकी इंजिल कुरान आयात बाइबिल उन सब बातों के अंदर जो गुण हैं उनको ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मत हैं। आज लोग इतने स्वार्थी हो गए, महापुरुष इतने स्वार्थी हो गए, ऋषियों के ग्रंथों को अकाट्य मानने लगे, लेकिन महर्षि दयानंद कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वो सबसे बड़ा कृतघ्न है। जो ऋषियों ने लिखा है उसके ऊपर उसकी छाप को नहीं मिटाना चाहिए, अपने स्वार्थ में उस नाम को मिटा करके अपना नाम लिखने लगे, अपने मत को फैलाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बहकाने लगे, लूटने लगे, उनके ऊपर शोषण करने लगे, शोषण ही है भाई, तेरे तो शनिचर चढ़ जाएगा, तेरे तो मंगल भारी है, तेरे तो फलान भारी है, दोनों लड़कियों के मंगल अमंगल हो गए, तो ये लूटना सबसे बड़ा पाप है, ऐसा कभी बोली जनता के साथ नहीं करना चाहिए। ये सत्य बात की है कि मिथ्या बातों को भूल जाओ, असत्य बातों को छोड़ दो, बार बार स्वामी जी ये आदेश देते हैं इन सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, क्योंकि सत्य असत्य को तुला प्रथा तोला, सत्य असत्य को तुला प्रथा तोला, लुप्त था वेद का वेद खोला, दे गया ग्रंथ खास हमें सत्यार्थ प्रकाश, मेरे पीछे ना कोई परेशानी रहे, प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा दयानंद प्यारा। एक साइंस के विद्यार्थी गुरुदत्त विद्यार्थी बिनाई कोठी में अंतिम समय जब महर्षि दयानंद प्राण छोड़ रहे हैं, ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, एक खिड़की में से देख रहे, नास्तिक था वो, आस्तिक बन गया और 14 बार सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, 14 बार और उन्होंने जो है 6 वर्ष तक काम किया, कैंसर से फिर वो चले गए, आगे पीछे सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज के नियम, और एक दीवाना, आज तक ऐसा दीवाना नहीं, ऐसे दीवाने हमें हो जाना चाहिए, क्योंकि महर्षि दयानंद ने अपनी तरफ से सत्यार्थ प्रकाश में कोई बात दबाव की नहीं लिखी। उन्होंने कहा जो वेद ने कहा है, जो ऋषि मुनियों ने कहा है, जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि ने कहा है, वो बातों का वर्णन महर्षि दयानंद ने, जब उदयपुर में थे तो उस समय वहां के महंत ने कहा कि तुम्हें मठाधीश बन जाओ मंदिर का, तुम्हें सारा धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो महर्षि दयानंद ने कहा कि मैं तेरे धन को ठुकराता हूँ, इतने बड़े रियासत का मेरा पिता वो था दीवान, जब मैंने वही छोड़ दिया तो मैं तो ऐसा ठुकराने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। महर्षि दयानंद ने 17 बार जीवन में जहर पिया सत्य के लिए, इस पाखंड और मिथ्या से हमें बचाने के लिए 17 बार उस स्वामी ने जहर पिया, तो उस महर्षि के गुणों को हम कैसे ना गाएं, उस महर्षि के गुणों को हम कैसे धार, क्योंकि महिलाओं के ऊपर तो विशेष उपकार है, पैरों की जूती माना गया, अछूत माना गया,
एक जगह महर्षि दयानंद ने वर्णन किया है कि जब महावारी आती है, मासिक धर्म आता है, तो उस समय जो है बहन को रसोई में नहीं जाना चाहिए क्योंकि दुर्गंध आती है, थोड़ा भारी भरकम बोझ भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वहां लोगों ने ये कह दिया कि महर्षि दयानंद तो महिला को अछूत मानते हैं। एक नियोग की बात की महर्षि दयानंद ने, जैसे कौरव पांडवों का उदाहरण था, आदरणीय बहन जी बहुत अच्छी बात संगीता जी उसमें बताती भी हैं कि जब उनको पुत्र उत्पन्न की जरूरत थी राज्य के चलाने के लिए, तो धृतराष्ट्र और पांडु के पिता जो इस लायक नहीं थे, उनकी रानियां जो तीन थी वो अंबिका और अंबालिका, तो उनको जब उनके पास भेजा गया नियोग के लिए, आजकल कह देते हैं भी इसका रज जो है दूसरे के उसमें रखवा दो, आजकल जैसी ये बात है, उस समय तो जो पांडु जो है वो डर गई, पीड़ा पीड़ा हो गया वो, और जो धृतराष्ट्र है उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अंधा हो गया। ये वास्तविक बात है, महर्षि दयानंद ने कहा कि मैं अपनी तरफ से बात कोई नहीं कहता कि ऐसा कर सकते हैं, और जो अब आज भी आ ही गया, ये यूट्यूब बेबी का आ गया या अन्य औरत की कोख में रखवाना आ गया, तो महर्षि दयानंद को गालियां दी, ईंट पत्थर उनको मारे, उनको कहा कि तू बुरा कहता है, बुरा काम करवाता है, लेकिन आज ही इन्हीं कामों को कर रहे हैं क्योंकि विज्ञान कहता है ऐसा करो, और ऐसा सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। इसीलिए हमें उन बातों को नकारना चाहिए जो हमारे जीवन में पाखंड फैलाती है, अज्ञान फैलाती है, हमें मूर्ख बनाने करके हमें जो लूट रहे हैं उनसे हमें बचना चाहिए। ये इस सत्यार्थ प्रकाश में है और कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश का जो है वो पढ़ना हिंदी में बहुत आसान है, इसके अर्थ जो है और इसका पढ़ना आसान है, लेकिन वो बिल्कुल गंभीर, इसके भाव, इसके विचार बहुत गंभीर हैं जो हमारे ऊपर असर डालते हैं, तो हमें इनके पढ़ने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मेरी बातें सुनी, एक गीत की ओर मुझे कहा गया था, वो आपके बीच में और रखती हूँ। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की देवी हो जिस देश में गूंज रही गीता, तुम उस देश की देवी हो जिस देश में गूंज रही गीता, कभी भूल के भी न लगाना जीवन में तुम चिंगारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। ये ना भूलना जहाँ जहाँ पर फूल वहाँ पर काटे भी, ये ना भूलना जहाँ जहाँ पर फूल वहाँ पर काटे भी, जहाँ जहाँ तूफान वहाँ पर आते हैं सन्नाटे भी, जहाँ जहाँ तूफान वहाँ पर आते हैं सन्नाटे भी, जहाँ जहाँ तूफान वहाँ पर आते हैं सन्नाटे भी। सावधान रहना मेरी बहना कभी न करना मन बारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। देखो कहीं भटक ना जाना झूठे हास विलासों में, देखो कहीं भटक ना जाना झूठे हास विलासों में,
करना ऐसा काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में, करना ऐसा काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में, कभी भूल के भी न लगाना जीवन में तुम चिंगारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, कभी भूल के भी न लगाना जीवन में तुम चिंगारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, माता निर्माता भवती ये वेद शास्त्र बतलाता है, माता निर्माता भवती ये वेद शास्त्र बतलाता है, दुनिया का इतिहास तुम्हारी गौरव गाथा गाता है, दुनिया का इतिहास तुम्हारी गौरव गाथा गाता है, दुर्गा पद्मा लक्ष्मी बाई हुई विदुषी ये बारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, दुर्गा पद्मा लक्ष्मी बाई हुई विदुषी ये बारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, हर घर को तुम स्वर्ग बना दो हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, छीन ली क्यों दिवाली ने ज्योति, लाके मोती नहीं ऐसा मोती, कर गया है जो काम रहे ब्रजपाल नाम, मेरे पीछे ना कोई परेशानी रहे, परेशानी रहे, प्यारा रिसीवर प्यारा, प्यारा रिसीवर प्यारा, कर गया है जो काम रहे ब्रजपाल नाम, गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, ये पानी रहे, प्यारा दयानंद प्यारा, प्यारा रिसीवर प्यारा, जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, मेरी सी की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे, प्यारा रिसीवर प्यारा, प्यारा दयानंद प्यारा, ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे, ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे, ऋण से ना पार हो जन्म सो बार हो, ऋण से ना पार हो जन्म सो बार हो, मेरी सी की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे, प्यारा रिसीवर प्यारा, प्यारा दयानंद प्यारा। कुछ विचार मैंने दिए अभी भार्गव भाई की बात हुई, मैं योग क्लास से चली आ रही थी, 4 बजे से 6 बजे मेरी योग क्लास थी, 2 घंटे वहां भी बोली यहाँ भी, मैंने कहा भाई आमने सामने तो 6 घंटे बोल सकती हूँ, मेरा डाटा धोखा दे जाता है, मैं इसके लिए मजबूर हूँ, क्योंकि अब 8:30 बजे फिर एक मीटिंग है, ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है, स्वामी रामदेव जी का दबाव मेरे ऊपर ज्यादा रहता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है, और बहन सत्या जी हमारी राज्य प्रभारी हैं, मेरे पास महिला पैतृक योग समिति राज्य कार्यकारिणी सदस्य का एक छोटा सा सेवा का पद दे रखा है,
तो दोनों समय योग कक्षाएं, बीच में मीटिंग ऑनलाइन, तो इस तरह से ये चलता रहता है। आर्य समाज मेरी माँ है, मैं आर्य समाज को नहीं छोड़ सकती, मैं ऋषि दयानंद को नहीं भूल सकते, क्योंकि जितना हम काम अंश मात्र भी कर जाएंगे वो भी हमारे लिए जो है बहुत थोड़ा है। और इसीलिए आप सबको नमन, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद दया मैडम जी, आपको सुनते हुए ऐसा लग रहा था बस सुने जाओ सुने जाओ सुने जाओ, बिल्कुल आत्मा तृप्त हो गई मैम। और आपके विचारों से, आपकी बातों से ऐसी जीवन की कोई समस्या नहीं लगी जिसका हल आपने ना दिया हो। अगर आपके बात शुरुआत की बात करी जा, अपने हिंदुस्तान के नाम की बात करी, तो ये लोगों का विचार अभी हिंदुस्तान हिंदू धर्म का पर्याय है, मतलब हिंदू धर्म के नाम पर हिंदुस्तान नाम पड़ा, जबकि आपने बता दी हिंदू कुश पर्वत के नाम पर हिंदुस्तान पड़ा है। ये हिंदू कुश पर्वत के आसपास जो लोग रहते थे ना, हाँ जी, हिंदू कुश, उसके उससे लिया गया है ये, ठीक है। कई धर्म इस सब का विवाद, ये पाकिस्तान में पड़ता है आजकल। तो आपने इतना अच्छा, मतलब इतनी बड़ी समस्या, इतने बड़े विवाद का हल कर दिया भी हिंदुस्तान कोई हिंदू धर्म का प्रिय। लेकिन आपको ये हिंदी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं मिलेगा, ये लुगात डिक्शनरी में है, भी फारसी में जो है, और इससे आगे मैं आगे नहीं कहना चाहती उसका अर्थ क्या है, कभी अकेले को बता दें। हिंदू कुश पर्वत के आसपास जो लोग रहते थे ना, और भारत भरत के नाम से पड़ा, ये भी दो है, एक भरत हुआ है रामायण काल में, और ये शकुंतला दुष्यंत के नाम से हमारा भारतवर्ष नाम पड़े। आर्यावर्त रहा महाभारत काल तक, तो हम आर्य और अनार्य, जो अनाड़ीपण के काम करो अनार्य, जो समझ का काम करो आर्य, तो हम तो आर्य हैं। और सूर्यवंशी, हमारे नासी का भी जो है एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी है, बाएं छेद से ठंडा सांस जाता है, दाएं छेद से गर्म सांस जाता है, बाया छेद चंद्र है और दाया छेद हमारा वो सूर्य है। हमारा मस्तिष्क जो है ये ठंडा रहे, इसलिए हम बाएं छेद से पहले श्वास लेते हैं। प्रतिदिन जब प्राणायाम करते हैं, हम नाड़ी शोधन करते हैं, तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना और गंगा यमुना सरस्वती, हमारा बाया छेद गंगा, दाया यमुना और ये सरस्वती आज्ञा चक्र में, इस तरह से ये एक पॉइंट में दया मैम से और पूछना चाहूंगी। आपने ना जो यथा प्रजा तथा राजा ऐसे बात बताई थी ना, कि एक उसमें वर्णन दिया हुआ है उन्होंने राजधर्म में, हाँ जी हाँ बोलो, हाँ जी बोलो। मैं ये चाहती हूँ कि हम यहाँ पर अपने पीएम की हरियाणवी में आपके मुख से हम आगे आने वाले समय में इसके ऊपर चर्चा सुनना चाहेंगे कि राजा, जैसे आपने राजा जनक का उदाहरण दिया, राजा भृतहरि का उदाहरण दिया आपने, हाँ जी, तो ये जो चर्चा उन्होंने करी स्वामी दयानंद जी ने, तो इस चर्चा को हम थोड़ा सा विस्तार से कभी जब आपके पास समय हो, हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में, तो हाँ जी, विस्तार से हम सुनना चाहेंगे कि किस तरीके से, जैसे अब आज के जो युग में हम फैसला करते हैं कि क्या वोट देना है, कैसे देना है हमें, तो हमें जागृति होनी चाहिए कि हमारा जो राजा है वो कैसा होना चाहिए। तो उसके प्रति जो स्वामी दयानंद जी ने जो हमें बताया वो हम सुनना चाहेंगे, कि आप जब भी आपके पास समय हो प्लीज आप जरूर से जरूर बताइए। और उसके साथ साथ जो मन यू लागे है ये गीत तो सब ने सीख लेना चाहिए, दया मैडम आपको हमारी क्लास लेनी पड़ेगी। ये वीडियो बना के वीडियो में भर के आपके उस पर डाल दूंगी, वैसे मेरी फेसबुक पे भी है ये, या वीडियो कर दो तो मैं, पता नहीं मेरे तो अभी भी अंदर ही अंदर चल रहा है वो, ऐसे सारी मतलब हम सारी महिलाओं को ये गीत सीखना ही चाहिए, ठीक ना। ऐसा है कि ऐसा जुनून आ जाता है मेरे को, तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरे 8, 10, 12 हाथ है, पता नहीं क्या कर दो ऐसी फीलिंग आने लगती है मेरे को कि मैं तो 12 हाथ है और मैं अभी खड़े होके बस चल पड़ू कुछ कर दू बस। एक उदाहरण देखो राजा का मैं बताऊं, कौशल्या माता का आता है, गर्भ ठहर गया उनका, उन्होंने राजकोष के खाने को बंद कर दिया, वो शिल्प कला में कुशल थी, कौशल्या नाम है जो शिल्प कला में कुशल, और वो
अपने वो जो जैसे आजकल दरी बुना देते हैं, थैले बुना देते हैं, आसन बना, वो ऐसे बना बना के बाजार में बिकवाती थी, उससे वो भोजन लेती थी जी। ये वाल्मीकि रामायण में उदाहरण आता है, ये राजा जनक का आता है। अशोकपति ने कहा मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई जार नहीं, ऐसे ही उदाहरण आते हैं। तो बहुत बढ़िया, ये आपसे हम डिटेल में सुनना चाहेंगे। यस सरिता मैडम, आप कंटिन्यू करो प्लीज। हाँ जी मैम, जैसे कि मैम को सुनते हुए मैं सच में ही, आप कह रहे ना मेरे 10-12 हाथ भी, हम तो ही दुर्गा माता बन गए। हम सारे दुर्गा माता हैं। एकदम एनर्जी आ जा। दूसरा मैडम, आपने जो दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताया, उनके गुरु के बारे में बताया, भी उन ज्ञान ग्रहण खातर वो मूल संकर से दयानंद सरस्वती कैसे बने, कितने कष्ट झेलने पड़े, ये तो भी साची बात है। जब आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हो तो भी अड़चने तो आवे हैं, कष्ट तो झेलने पड़े। दूसरा जो आपने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताया, मेरे को यह बात बड़ी बढ़िया लगी, मेरे को क्या सब नहीं लगी है यह बात तो, कि इन अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिया। जो ज्ञान है वो पहले भारतवर्ष में था, लेकिन हमने न्यून बेरा था उसमें के है और वो क्यों पर प्रयोग करना है, वह सारी चीजें निकाल निकाल कर भी आम प्रयोग के लिए उसको प्रस्तुत किया गया। जैसे वो इसमें सारे जितने भी समूलाना आपने बताए हैं, वो सारे जीवन से जुड़े हुए हैं, सारे जीवन के पड़ाव से जुड़े हुए हैं। जब हमारे गर्भ में जब हमारा जन्म हुआ है, उससे समय माँ की जिम्मेवारी बन जा है भी कैसा खान पान होना चाहिए, किस तरीके से वो ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। और एक बच्चे ने भी 5 साल तक किसी शिक्षा दे, किसा उसने ज्ञान देव की भी वो एक अच्छा नागरिक बन सका। फिर एक बचपन के सवाल थे मेरे जो आज तक दिमाग में थे, आज उनका भी जवाब मिल गया भी, आपने ब्रह्मचार्य का पालन कैसे हो, कितने साल तक हुआ है, 18 साल तक, 18 से 26, 26 से 46। एक हमारे मास्टर थे संस्कृत के अध्यापक थे, वो हमारे स्कूल में आए जब वो मतलब इसी एज में थे, 45 46 की, और फिर उनकी शादी हुई। पहले उन्हें ब्रह्मचारी कहाँ करते, चोटी वाले सर हैं ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वो 1-2 साल में उनकी शादी होगी। हमने सोचते भी इस उम्र में शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई इनमें, बड़ा ठीक सवाल आता है मन में। लेकिन आपने पता चला अभी वो 46 साल तक वो ब्रह्मचारी धर्म का पालन कर रहे थे, आज क्या बात समझ में आई है, उसका मेरी प्रिया और किसे कभी समझ में आई हो। और दूसरा मैम, अपने गृहस्थ जीवन कुकर चलाना है, और सबसे बड़ा धर्म मेरे मतलब ये लगा कि सबसे बड़ा धर्म गृहस्थ जीवन ही है, क्योंकि सारे धर्मों का आधार, बाकी यार मैं तो आधार ही दे रहा, जब तक खाना पीना नहीं होगा अपना धन नहीं मिलेगा तो और क्यों कर चलेंगे। तो गृहस्थ जीवन जब चल रहा है तो जब दूसरे धर्म का भी पालन हो रहा है। और दूसरा हम अपने अपने धर्म न लेकर लड़ते रहे, मैं अच्छा हूँ यो बुरा है, इसमें तो सब धर्मों का संगम करा गया। अभी जो भी अच्छी चीज चाहे विदेशिया पर मिले, चाहे किसी दूसरे धर्म से मिले, अच्छी चीज कितने तक भी मिले उसने ग्रहण कर लो। और दूसरा भी अपने औरत के प्रति भी जो बहुत सारी धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं, अंधविश्वास है, वो ये बताए बीमारी के टाइम में छूत मानना जाए, उससे ऐसा व्यवहार करा जाए, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, और आपने किन कारणों से उसके साथ ऐसा व्यवहार हो वो सारी चीज आपने समझाई। और किस तरह से समाज में एक महिला का स्थान होना चाहिए, क्या उसको स्थान मिलना चाहिए, वो सारी बातें आपने बताई। और जो एक सरोगेसी वाली बात आपने बताई वो भी देखो, आज वैज्ञानिकों का विज्ञान ने तरीके करी, विज्ञान इतना पहुंच गया, ये तो पहले ही पहुंचा हुआ था, ये काम तो पहले ही हो रहे थे सारी चीजें, तो हम उन चीजों से अनजान थे, आज वो चीजें पहले ही से ही हमारे धर्म में समाई हुई है। लेकिन उन्होंने कैसे जागृत करना है, कैसे अपनाना है, कैसे जीवन में पालन करना है, ये सारी बातें आपके मुख से सुनकर आत्मा तृप्त होगी मैम। और ऐसा मन कर रहा था बस आपको सुने जाओ। सच में आपने बोला भी इतिहास में नाम होना चाहिए, आपका नाम तो रच गया है मैम, आपका नाम तो इतिहास में दर्ज हो गया है, और किसी के में नहीं तो मेरे इतिहास में तो जरूर हो गया है। बिल्कुल आपने तो सारी ये जो सदी है नमन करेगी, आपने प्रणाम करेगी। और अभी मैम आप अगर कोई पर्सन है किसी का कुछ पूछना चाहते हैं तो सबका स्वागत है। दया मैम प्रणाम। प्रणाम जी।
बहुत ही अच्छा लगा मैडम, हमारे भी बचपन के जो सवाल थे ना दिमाग में वो सारे आपने कति क्लियर कर दिए। वो घर बाड़ा को आ करता मम्मी मम्मी यार कह, तो मेरी नानी नु कति उल्टी जा लते झाड़ का, मखा यू के मतलब है, मैं आए लीन बोली ना बेटा छोटे भाई दो रहे जब जाना है जब लते झाड़ के जाना है हैं। और हम नु सोते बेराना के हुआ रहे नानी का, तो सारी आनू ये चक्कर कटवाती रहे। और दूसरा जो है ना आपने वो बताया कि भाई टूने टोट के आला, तो मेरे नाना जी भी आर्य समाजी थे, मारा घर था चौराहे पे, तो उड़े लुगाई चून गुड़ नु दर जाती रेत में, और तो मेरा नाना नु करता जा बेटी ठा लिया, मखा नाना ना टूना है नु कह ना बेटा तू ठा लिया जा, ठा के लिया तेरे नु कह मैं साग गेर का जा। एक दिन उसमें मूंगफली भी पागी नीचे बड़ा सा कागज धरके ना, और जब धरके जाया कर जब गणा पुन लगेगा दया मैडम ने कर दिया। अरे हम एक भजन सुनेंगे, जब तक कन्हैया जी का भजन ना सुना तो दिन पूरा सा ना होता। कन्हैया जी मैं सामने आ जा, मैं एक बार छोड़ना चाह रही हूँ जी, क्योंकि 8:30 बजे मेरी मीटिंग है। फिर चलिए दया मैम से मेरे को भी कुछ बात पूछनी थी, फिर बाद में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। ऑनलाइन क्लास मीटिंग मेरी, उसके बाद में ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद मैम। कन्हैया जी आपके भजन के लिए हम सुनने के लिए आतुर हैं। सर कन्हैया सर आपका म्यूट है सर, अनम्यूट करो जरूर। दया बहन जी ने बहुत अच्छा बोला, मेरे को तो उनकी दो बातें तो बहुत अच्छी लगी कि तुम राम को मानते हो राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हो कृष्ण की नहीं मानते। जब हम राम को मानते हैं तो हमें राम की भी माननी चाहिए, जो भी मर्यादा का पालन किया जो भी किया। भगवान कृष्ण जी योगी राज कहलाए, आर्य समाज में भगवान कृष्ण जी को योगी राज बोलते हैं। क्यों योगी राज बोलते हैं कि 16,000 एक मनुष्य के अंदर 16,108 नस नाड़ियां होती है, 16,100 कुछ नस नाड़ियां होती है। उन्होंने अपनी नस नाड़ियों के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रखा था, इसलिए उनको योगी राज कहते थे। बड़ा सुंदर जो है ना, खैर इनका तो कहना ही क्या है, वो कहते हैं ना कि ये तो एक आर्य समाज की तोहफा है। बहुत सुंदर बोलते हैं बहन जी और बड़ा अच्छा लगता है। तो छोटा सा 2-4 लाइन का भजन संगीता बहन जी, के पूर्ण ब्रह्मांड नायक भगवान श्री जी के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम, पत्री सर जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और हमारी लाडली प्यारी बहन संगीता ने जो ये पीएमसी चैनल चला रखा है, बड़ा अच्छा, मतलब सुबह और शाम देखो हम सुबह कितनी जल्दी उठ जाते हैं और ध्यान पे लग जाते हैं। ये श्वासा में जो ध्यान जो हम जोड़ते हैं दिया, यही गुरु है, यही परमात्मा है, यही कृष्ण है, यही राम है, ताकि हमें अनुभव हो कि हम कौन हैं और क्या चाहते हैं और कहाँ जाना है और कहाँ से आए हैं। सब ध्यान के कारण जो है ना हमें पता लग जाता है। तो एक छोटा सा 2-4 लाइन का भजन गाऊंगा, समय ज्यादा हो गया इसलिए समय थोड़ा लूंगा। कि कृपा करो मुझी दास पर ये ही दो वरदान, एक पल भी भूले नहीं मुझे कृष्ण भगवान। अरे चलो सखी उस देश को जहाँ कृष्ण को रात, निर्भरे दर्शन करें एक पंथ दो का, मेरो मन गिरवी धरो
श्री राधा जू के पास अजी प्रेम ब्याजित ना बढ़ो नहीं छूटने किया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गरे धूल झूली ले जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों करे भूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरणों की सुनते तेरी रहमत कि मेरात बरसी है। सुनते तेरी रहमत कि मेरात बरसी है। कर धूल जो मिले मैं तो एक ही बात कहता हूँ। क्या
राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्याम लाडली कृपा करो, श्याम लाडली कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, ओ राधे किशोरी कृपा करो, ओ राधे किशोरी कृपा करो, ओ श्याम लाडली कृपा करो, ओ श्याम लाडली कृपा करो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, राधे राधे जपत ही अरे सब व्याधा मिट जाए, अरे कोटि जन्म की आपदा राधा नाम सो जाए। राधा में बड़ी शक्ति है भैया, ये पूरी ब्रह्मांड नायक मेरी श्री राधा, राधा नाम लेने से ही अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान और कृष्ण राधा में कोई भेद नहीं है, एक ही स्वरूप है। भगवान की आराधना शक्ति श्री राधा, भगवान को राह दिखाने वाली श्री राधा, भगवान कृष्ण को प्रेरित करने वाली श्री राधा। देखो एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण और राधा में थोड़ा सा आपस में एक बात हो गई, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि मैं देखता हूं कि मेरा प्रिय कौन है। उन्होंने क्या किया, एक मटकी ली और एक मटकी में 108 छेद कर दिए, 108 छेद कर दिए, और भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि देखो इसमें 108 छेद हैं, जो भी इस मटकी को पानी से भर देगा मैं स्वयं उसका हो जाऊंगा। जो भी, और मटकी पानी से कैसे भरे, उसके अंदर तो 108 छेद हैं, अब वो मटकी में पानी कैसे ठहरेगा, उसमें ठहर ही नहीं सकता। अब भाई बड़ा प्रयास, और दूसरा एक और शर्त रख दी कि मैंने इस जमुना पे एक कच्चा सूत का तागा बांधा है, इस मटकी के छेद को बंद करने के लिए इस सूती धागे के ऊपर से आके तब इस मटकी के छेद बंद करने हैं। अब बताओ जमुना में 3 हाथियों की डूब, इतना गहरा पानी, और पानी उस इस तरह उछल उछल के जाए, वैसे ही जमुना देख के डर लगे, और फिर उस सूती धागे पे जो आके, और फिर उस मटकी के छेद कौन बंद करे और कौन पानी से भरे, और फिर तब भगवान उसके हो, तो बड़ा टेढ़ा काम। सब जो है ना सारे पीछे हट गए, और किसी ने अब ये बताओ कि जब भगवान के बारे में हम चर्चा सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो भगवान कहते हैं, जैसे हनुमान जी का उदाहरण ले लो कि वो मक्खी का रूप बन गए, वो मच्छर का रूप बन गए, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो इसी तरह स्वयं राधा बोली ये क्या काम है, ये तो कुछ भी काम नहीं है। स्वयं राधा ने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और उस धागे से ऊपर से आई, और जो जो उस धागे से चलने लगी, और वहीं से उसने प्रण लिया यमुना के किनारे से, श्री कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब दूसरे किनारे पे आई, देखो राधा उस किनारे पे खड़ी थी जो उसका जो किनारा निष्काम था, जैसे केवट खड़ा था निष्काम किनारे पे, इसी तरह निष्काम खड़े किनारे पर खड़ी राधा देख रही थी, और सकाम किनारे पे मटकी रखी थी भगवान ने, भगवान भी कितने चंचल हैं। अब सकाम किनारा कौन सा होता है, सकाम किनारा वो होता है कि जहां जमुना के पानी से कुछ खेती की जाए, जिससे हमें कुछ पैसे उपज हो, पैसा बने हमारे को, उसको सकाम किनारा बोलते हैं। लेकिन वो राधा जैसे हमारे केवट खड़े थे निष्काम किनारे पे, इसी तरह राधा खड़ी थी। जो बंदा निष्काम कर्म से जो कार्य करता है भगवान उसकी ज्यादा सुनते हैं, और जो करके भी कोई थोड़ा बेनिफिट चाहता है भगवान उससे बड़ा दूर है, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं ना ब्रिजेश मैडम, प्रेम प्रेम के भूखे हैं भगवान। तो राधा जी जो जो आई उस सूक्ष्म रूप में, जो जो उसने हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र किया, और एक एक छिद्र बंद होने लगा। जब वहां तक जमुना किनारे 108 भगवान के नाम लिए, और 108 नाम लेते सारे छिद्र बंद हो गए, और जमुना में से कड़वी भर के धर दी, तो राधा ने भगवान कृष्ण जी के चरण पकड़ लिए कि हे राधे, तभी कहते हैं ना, तब ये दोहा पड़ा था कि हे राधे तू बड़े भागनी,
तने कोणी तपैशा की, अरे तीन लोक तारण तरण वो तेरे अधीन। भगवान कृष्ण राधा के अधीन है, भगवान कृष्ण राधा के अधीन है। राधा भगवान की एक शक्ति है, पूरी ब्रह्मांड नायक है, वही राधा है, वही सीता है, वही रुक्मण है, वही पार्वती है। देखो भैया, इन इन चीजों में अगर जो भेद समझोगे तो भगवान तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए सब कुछ एक है। राधे राधे, समय ज्यादा ले लिया तो उसके लिए माफ करना, थोड़ा सा भाव बन जाता है कभी कभी बोलने का मैडम जी, अच्छा भी लगता है। और मैं एक बात बताऊं ब्रजेश मैडम जी, उस दिन आपने कहा था कि कन्हैया जी जो है ना राधा के बड़े प्रिय भगत हैं। सुनो, मैंने पीएमसी चैनल पे जब पहला भजन बोला तो मैंने पहला भजन मीरा का ही बोला था, शायद उस दिन आप ना जुड़े हो तो इस बात का मैं संकोच रहा, मेरे को मैंने सुना था लेकिन मेरे मन में बात थी कि मैंने पीएमसी चैनल पे जुड़ा और मैंने राधा का भजन बोला, मैंने उसके मीरा का भजन बोला। सिर्फ दो लाइन बोलता हूँ कि मीरा भगवान कृष्ण जी से बड़ा स्नेह करती थी और खड़ताल लेके कृष्ण 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 जपती फिरती थी। अभी चारों तरफ मीरा, वृंदावन के लोगों ने मीरा से कहा कि मीरा ये तो छलिया है, तुझे छल लेगा, तू कहाँ इसके पीछे दौड़ रही है। तो उसने ये कहा कि इसके पीछे दौड़ने में मुझे आनंद आ रहा है, और जिस चीज में आनंद हो गया, भगवान का एक नाम भी है आनंद स्वरूप, ठीक है। वो कहते कि तू हार जाएगी, ये तो छलिया है, तुझे छल लेगा। बोले कोई बात नहीं, भगवान के दोनों रास्तों में फायदा है, अगर जो मैं इसके इसके वश में आ गई, इसको जीत लिया तो मैं इसके संग रहूंगी, और मैं हार गई तो मैं इसकी दासी बन के रहूंगी। इसके दोनों ही चीजों में फायदा है, इसकी हार में भी फायदा है और जीत में भी फायदा है। तो फिर आगे समय मिलेगा तब मैं और इसका मीरा का सुनाऊंगा कि मीरा का ये बाजा एक तारा, साधवा की बाजा खड़ताल है। तो आज के लिए इतना ही काफी, आप सबको मेरी राधे राधे। जी बिल्कुल कन्हैया जी, आपने सही बात की, और भी आनंद में सब कुछ है, हम भी थोड़ा सा आनंद में डूब जाना चाहेंगे। संगीता मैम जी, केवल और केवल 5 मिनट का ध्यान करना चाहेंगे, और थोड़ा सा आप निर्देश दो आपके ध्यान करने के। अच्छा ठीक है, चलो 5 मिनट आंखें बंद करते हैं, चश्मा उतार दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, और अर्धनारेश्वर, जैसे कि अभी कन्हैया जी बोल रहे थे तो मुझे अर्धनारेश्वर का स्वरूप कृष्ण और राधा का दिख रहा था। तो हम सब खुद में अपने आप में संपूर्ण हैं, इसी भाव के साथ आज हम 5 मिनट ध्यान करेंगे। कहीं नहीं बाहर भटकना हमें, बस अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है, और वही कृष्ण और राधा का स्वरूप अपने भीतर उतार लेना है। पुरुष और प्रकृति का संगम, कृष्ण और राधा का संगम हमारे भीतर ही है। कृष्ण कृष्ण और राधे राधे, ये दोनों ही लोग हमारे भीतर समाये हुए हैं। क्या कृष्ण और क्या राधे, इन दोनों का मिलन, उसी से हम संपूर्ण होते हैं। अपने जीवन में बस एक ही चीज सीखनी है, वो है संपूर्णता। संपूर्णता और समर्पण, जैसे राधे ने समर्पण किया, और कृष्ण ने उनके सामने समर्पण कर दिया, सेम इसी तरीके से हम अपने आप के प्रति समर्पित भाव से अपनी संपूर्णता को पहचाने। रोम रोम में कृष्ण है और रोम रोम में राधा है। राधे कृष्ण, सीताराम, महादेवी और महादेव, ये एक ही है। अन्य
अनेक अनेक जन्मों में हम अलग अलग स्वरूप में आते हैं, कभी पार्वती के स्वरूप में तो कभी शिव के स्वरूप में, लेकिन आत्मा तो अपने आप में निराकार है। राधे और कृष्ण प्रेम से भरपूर, आत्म प्रेम से भरपूर, कण कण में जब प्रेम समाने लगता है तो कृष्ण खुद ही चले आते हैं। सेम इसी तरीके से प्रकृष हमारे भीतर दोनों समाये हुए हैं। सोम और अग्नि जैसे जल में गीलापन होता है, प्यार उमड़ता है, और अग्नि जो हमें गर्माहट देती है, जैसे माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, तो अग्नि और सोम का स्वरूप तो हमारे भीतर है ही। हम कभी कभी द्वंद में आके अपने आप को दुखी कर लेते हैं, लेकिन हम अपने आप में संपूर्ण हैं, अपने आप से ही प्रेम। अपने आप से प्रेम सबसे बड़ी जरूरत है। अपने सांस के आते हुए और जाते हुए प्राण कर्म, यही मेरा कर्म है और यही मेरा धर्म है। सबके साथ मिलके रहना, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला, खुद जागृत होकर हर काम को करना, अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूं। हम सब वही परमात्माएं हैं जो ब्रह्मांड के उस महासागर से, उस महाशून्य से आए हैं, और वहीं पर हमें वापस जाना है। वही हमारा घर है। हम तो यहाँ इस धरती पर अनुभव लेने के लिए आए हैं, अनुभव लेंगे और चले जाएंगे। आखिरी एक मिनट ब्रह्मांड के कण कण में अपनी उस ऊर्जा को फैला दीजिए। पूरे ब्रह्मांड में हम विश्व में शरीर के साथ इस पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी के माध्यम से अपनी ऊर्जा को बिखेर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, ताकि हम हर घर को, हर गांव को, हर व्यक्ति को, हर बड़े छोटे को ये ध्यान के रंग में रंग दें। कोई ऐसा ना हो जो ध्यान के रंग के बगैर हो। दस, नौ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो,
एक शून्य। धीरे से अपने हाथ उठाकर अपनी आंखों पर रखिए और आराम से प्यार से अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू ऑल मास्टर्स, कन्हैया भैया थैंक यू ऑल मास्टर्स। बहुत अच्छा लगता है, मजा आ गया आज तो ना, मतलब बहुत अच्छा था। ऐसे लग रहा था कि बस साक्षात यहाँ पे बहुत सारे हमारे डिवाइन मास्टर्स आके सुन रहे हैं, और साक्षात दया मैडम तो ऐसे लग रहा था कि जैसे महर्षि दयानंद ही बोल रहे हैं। ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि उनके जो शब्द थे वो खुद के शब्द नहीं लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि चैनलिंग हो रही है और डायरेक्ट वहीं से आज महर्षि दयानंद स्वयं में बोल रहे हैं। और एक ऐसा लग रहा था कि हमें एक सत्यार्थ प्रकाश की जो कुछ बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, वो हमें जरूर से जरूर सुननी चाहिए। दया मैडम की मुखरविंद से हमें ये बात जरूर से जरूर सुननी है, जो राजा प्रजा की बात बताई और भी बहुत सारे जो मुख्य बातें उन्होंने बताई, वो हमें मतलब एक हमारा पूरा एक 15 दिन का ऐसा समय होना चाहिए कि जिसमें 15 दिन हम पूरे सत्यार्थ प्रकाश की बातें करें। तो आने वाले समय में अभी नवंबर तक तो हमारी बुकिंग है सारी, तो दिसंबर में कोशिश करेंगे कि हम 10 दिन मैडम से सारी बातें सुने, क्योंकि हम आगे आगे और जो प्रोग्राम्स चलते आ रहे हैं। तो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके देखो ये भी कितना अच्छा है, ये इसका नाम क्या है कन्हैया भैया, बताना जरा हमें। ये रोज सुबह और शाम को ये आता है हमारे पास, इसका नाम क्या है? इसको टफी 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 रखा हुआ है, टफी 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 नाम है इसका, टफी। जब मैं सुबह 4 बजे यहाँ जुड़ता आता हूँ ना कमरे में, तो मेरे कमरे में ही आ जाता है सुबह। तो एक ऐसे डिवाइन मास्टर्स हैं जो साथ में रहते हैं, मतलब दे आर अवर फैमिली मेंबर्स, है ना। तो हमारा एक टीवी चैनल का एक सिद्धांत और भी हो गया है कि हमें अपने हम दो हमारे दो नहीं है, अब हम सारे परिवार, पूरा प्रकृति हमारा परिवार है ना। ओके और जन्म परंपरा हमने कही थी कि यहाँ पे हम हर जन्म में अलग अलग तरीके से आते हैं, ये समझ आ जाए तो झगड़े खत्म हो जाए। ओके तो बाय, सुबह मिलते हैं 4:15 बजे। बाय, लव यू ऑल।